हेलो ब्रीवन नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभ दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा जो होने वाली है काफी धमाकेदार अभी बापरे आने वाला है मजा तो चलिए शुरू करते हैं यानी आज क्या क्या एडिटोरियल है तो आज पहला एडिटोरियल हम लोग लेने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस का और वो एडिटोरियल है बी कॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत जी पे इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो पहला टॉपिक इथिक्स के लिए लेंगे ध्यान रखेगा पहला टॉपिक हम लोग क्या लेंगे इथिक्स के लिए लेंगे जो कि मजा आएगा ठीक है अब इसके बाद आता है जैसे और लेंगे भी क्या कि जैसे इथिक्स का प्रश्न आया था 2014 में कि जो गरीब लोग होते हैं उनमें एक संभावना बनती है कि वो भ्रष्टाचार करें कर सकते हैं लेकिन जब अमीर लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके पीछे क्या रीजन होता है तो अमीर लोग भ्रष्टाचार इसीलिए ये टॉपिक कनेक्ट कर दिया गया है वीडियो कान के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत तो ये जबरदस्त इथिक्स का टॉपिक है इससे हम लोग अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम दूसरा टॉपिक बिजनेस लाइन का लेंगे ईयर ऑफ द डिपॉजिटर इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी हम बैंकिंग रिफॉर्म के बारे इस समय वर्तमान में हमारी जो बैंकिंग की नीतियां हैं बैंकिंग क्या है मैक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर यानी जिस देश का बैंकिंग सेक्टर मजबूत है इसका मतलब है कि उस देश का फाइनेंस सिस्टम मजबूत है और वो जीडीपी को हेल्प करेगा इसको मैंने रिवीजन ऑफ मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स इन 2022 गजब मजा आएगा यानी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए इसको इंटरलिंक किया गया है इसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग करेंगे इंडियाज इकोनॉमी इन ट्वेंटी 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने होप क्या है चैलेंज क्या है और इसके अलावा अनिश्चितताएं क्या क्या हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है निबंध के लिए तो आज का ये टॉपिक भी निबंध के लिए है ये टॉपिक भी निबंध के लिए है तो आज निबंध स्पेशल हो गया यानी इकोनॉमिक्स का निबंध हम करने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा वो यहां पर आपको बताया गया इसके बाद यानी तीन एडिटोरियल एक साथ मिक्स किए जाएंगे पावर रोलर कोस्टर यानी ये है नेपाल में जो दहल साहब जो है प्रचंड दहल जो वहां के हेड ऑफ द स्टेट बन के आए हैं उनके बारे में ये एडिटोरियल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहेल द न्यू काठमांडू तो देख सकते हैं दूसरा एडिटोरियल तीसरा देख सकते हैं यानी फिर से वही यानी पुष्प कुमार दहल जी का चुन करके आना और इंडिया के लिए क्या क्या कंसर्न है तीन एडिटोरियल को मिक्स करके भारत नेपाल का कंटेंट बनाया गया और अब वादा करता हूं कि इस ऐसा कंटेंट इंडिया नेपाल पर आज के पहले मैंने भी कराया लेकिन ना कहीं कराया और ना किसी बुक में मिलेगा गजब का यानी आज के बाद भारत नेपाल संबंध आज तक यानी जबरदस्त रूप से आपका कंप्लीट होगा तो ये चार एडिटोरियल आज हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें एक एडिटोरियल में तीन एडिटोरियल का मिक्सर है यानी कुल मिला के छह एडिटोरियल उसके साथ साथ सात न्यूज जो कल को एडिटोरियल बनेंगी और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब आई एक रेवोल्यूशन जो भी बच्चे यानी आंसर लिख रहे हैं जैसे बादल सिंह राजपूत बिहार वैशाली से नीतू पटेल सुरभि शर्मा किसी का भी नाम ना है, आप लिखते रहिएगा किसी न किसी दिन नाम आ जाएगा सत्तू एट द रेट इंस्पायर एजुकेशन एस के पॉइंट खुशबू पटेल राधा राधे गद्री अंजू कश्यप इसके बाद सीमा प्रजापति खुशबू दिवाकर पायल राजपति सॉरी पायल प्रजापति बिनीता सिंह आरती गुप्ता उमेश गुप्ता खुशबू दिवाकर आरती गुप्ता पंकज चौधरी प्रवीण भास्कर इसके अलावा पी ए एल पी एल ई राजपूत और नेहा श्रीवास्तव इसके साथ राम दिलीप मीना एस टी के यूपी राधे गद्री नगमा हुडा तो बहुत बढ़िया आप लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं करते चलिए लगातार इस इस क्रम को तोड़िएगा नहीं क्योंकि एक दिन सिलेक्शन आपको पता है सीटें कम है तो कमी लोगों का होता है डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी आज कुछ भी नहीं आज डायरेक्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हाउ डिड बीडियोकॉन चेयरमैन बेणुगोपाल धूत वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अप इन जेल यानी देख सकते हैं बीडियो कॉन के अध्यक्ष रहे बीडियो कॉन भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी उसके अध्यक्ष रहे मिस्टर वेणुगोपाल और भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एक समय फोर्ब्स की सूची में यानी फोर्ब्स जो विश्व के अमीरों की सूची निकालती है फोर्ब्स पत्रिका फोर्ब्स मैगजीन उसमें ये संपूर्ण विश्व में 61 नंबर पे थे मतलब उस सारी हिंदुस्तान के उद्योगपतियों में 61 नंबर यानी इतने बड़े उद्योगपति और आज ये जेल गए तो क्यों गए और हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे ये बड़ा महत्वपूर्ण है तो आइए सबसे पहले न्यूज पढ़ते हैं देन आई क्यूआईपी पे आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आईक्यू आई पी है ठीक है तो ये जबरदस्त आईक्यू आई पी लेकिन सबसे पहले न्यूज पढ़ते हैं फिर उसके बाद आते हैं यहां पर काफी आई क्यू आई पी काफी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं न्यूज क्या है आईसीआईसीआई बैंक की एमडी रही हैं, सीईओ रही हैं चंदा कोचर जी इनको आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा इनके हस्बैंड मिस्टर दीपक कोचर ठीक है, दो लोग और तीसरा वीडियो क्रॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणु गोपाल दूत ये तीनों लोग आरोपित हैं कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से ऋण में धोखाधड़ी की है यानी वहां से जो ऋण लिया है जो कर्जा लिया है वो भ्रष्ट ढंग से लिया है और जिसके कारण से आईसीआईसीआई को एक बहुत बड़ी संपत्ति एनपीए के रूप में यानी आईसीआईसीआई एक, एक बड़ी संपत्ति एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है इन तीनों को आप देख सकते हैं ठीक है ना ये तीनों इस केस में इन्वॉल्व हैं और अब आप देख सकते हैं क्या किया गया दे वर अरेस्टेड ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर दो हजार बाईस यानी छब्बीस दिसंबर यानी कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है किसके द्वारा सीबीआई के द्वारा और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस तो बस इसको आप याद रख लीजिएगा आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस क्योंकि ये एग्जाम्पल देने में आपकी बड़ी मदद करने वाला है किसमें आईसीआईसीआई ऋण धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के कारण यानी लोग इसमें शामिल हैं इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई के द्वारा तो ये हो गई न्यूज ये न्यूज आपके लिए बड़ी है महत्वपूर्ण अब हम आते हैं ये सारी बातें बस आपको इतना ही जानना है इसी से आपका टॉपिक खुलता चला जाएगा यानी अब न्यूज की डिटेल मतलब नहीं वो तो मैं बताऊंगा क्या है लेकिन यही है इनके ऊपर आरोप लगा और इसके बाद आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड किया है और इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया अब ऑब्वियस इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इन्हें क्यों पढ़े एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इन्हें क्यों पढ़े तो आइए देखते हैं इसका आई क्यू आई पी करते हैं देन आपको समझ में आएगा क्यों पढ़ना चाहिए तो आप देखिए अब यहां से आता है जीएस पेपर फोर ये आप यहां से देखिए ठीक है ठीक है बच्चे अब आता है जीएस पेपर फोर देखिए क्या लिखा हुआ है निजी संस्थानों में नैतिक चिंता तथा दुविधा अब आप यहां से देखिए क्या है एथिकल कंसर्स एंड डायल कहां पर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो आप देख सकते हैं क्लियर है यहां से आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा आपके सिलेबस का एक पार्ट है इसके बाद जीएस पेपर फोर में कहां, कहां से इसका कनेक्शन है देख सकते हैं जैसे कोड ऑफ कंडक्ट से अभी हम पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट यानी क्या है ये आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट मतलब किसी संगठन के नियम जिन नियमों का अनुपालन संगठन के सभी लोगों को करना चाहिए यानी संगठन की गाइडलाइन एक ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन होती है जिसका अनुपालन सभी संगठन में काम करने वालों को करना चाहिए तो ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता हर एक बैंक का हर एक संस्था का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता जिसका पालन संस्था में काम करने वाले लोगों को करना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट इसीलिए यहां पर आएगा कि आईसीआईसीआई की जो चेयरमैन और एमडी रही एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट को का अनुपालन नहीं किया और इसके कारण से उन्होंने आईसीआईसीआई को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया तो यहां से भी आएगा ध्यान रखेगा अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये अमीर लोग हैं ये अमीर लोग हैं ध्यान रखेगा क्या है ये सभी बड़ी पर्सनलिटियां एक बार इनके बारे में देख लीजिए सिलेबस के बाद ये सब बड़ी पर्सनैलिटियां ये अमीर लोग हैं ध्यान कौन है अमीर लोग है। कैसे 2015 में फोर्स की पत्रिका ने बेणु गोपाल धूत को भारत के इकसठवें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में आका और उनकी संपत्ति लगभग वन बिलियन डॉलर आंकी मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा इन्होंने उन्नीस में वीडियोकॉन समूह की स्थापना की थी ये सारी बातें हैं और उसके बाद ये 2010 के मध्य में मुश्किल में पड़ गए वित्तीय संकट हुआ और उसी के बाद इन्होंने इस प्रकार का उपक्रम किया क्या किया जरा याद रखेगा अब इन्होंने क्या किया कि आईसीआईसीआई बैंक से सत्रह करोड़ रुपए के आसपास फ्रॉड लोन ले लिया ठीक है कितना सत्रह करोड़ कैसे जनवरी 2019 में इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ और इस केस का पूरा मामला क्या था कि आईसीआईसीआई बैंक ने 2009 में वीडियो कॉन समूह की कंपनियों को 300 करोड़ रुपए के छे ऋण दिए थे यानी वीडियो कॉन कंपनी को 300 के छे यानी कुल मिला 1800 उसी को यहां पर 1700 के आसपास कहा गया है याद रखेगा अब ये जो आईसीआईसीआई ने इनको लोन दिया लगभग 1700 सो साढ़े करोड़ का वो ऐसे ही नहीं दिया इसमें भूमिका रही किसकी चंदा कोचर की चंदा कोचर कौन को है अभी आपको पढ़ा है जो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी रही हैं याद रखिएगा तो चंदा कोचर ने चौसठ करोड़ रुपए घूस लिया है इस तीन तीन सौ करोड़ के छे रिन देने के लिए ठीक है ना तो चौसठ करोड़ रुपए का ऋण लिया और ये चौसठ सॉरी uh, uh, का जो है क्या लिया यानी इलीगल ग्रेटिफिकेशन लिया यानी क्या लिया अवैध धन लिया अब इस धन को वीडियो अब इनके पति कैसे फंसे धन के दीपक कोचर साहब कैसे फंसे तो पत्नी ने इनका फेवर किया पत्नी ने इनका फेवर किया और जो पैसा है अब है चौसठ करोड़ रुपया है तो वह चंदा कोचर के अकाउंट में तो आ नहीं सकता था तो वह पैसा भेजा गया दीपक कोचर यानी इनके पति के अकाउंट में यानी इनकी पति की कंपनी को यह चौसठ करोड़ रुपए भेज दिया गया यही है आईसीआई बैंक का सत्रह सो करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड केस यानी इसमें आप देख सकते हैं सभी अमीर लोग हैं याद रखेगा ठीक है चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी के पद से जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया याद रखेगा वीडियो कॉन को आईसीआईसीआई बैंक ने जो पैसा दिया वो सारी राशि यहां लिखा हुआ एनपीए में बदल गई यानी वो सत्रह करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो गया याद रखेगा अब इनके बाद इनके ऊपर एडिटोरियल में बताया गया इन्होंने क्या किया है बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट को ये देख लीजिएगा बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट को और इंटरनल पॉलिसीज को वायलेट किया है यानी उल्लंघन किया कोड ऑफ कंडक्ट का भी यानी आचरण संहिता का भी और इंटरनल पॉलिसीज़ आंतरिक नीतियों का भी इन्होंने उल्लंघन किया ठीक है तो ये आप यहां से देख सकते हैं ये सारी न्यूज है अनैतिक कृत्य के कारण देख सकते हैं अनैथिकल प्रैक्टिस के कारण एक महिला एक सफल महिला के करियर का अंत होता है और हालांकि चंदा कोचर ने कहा कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया जांच इस पर जारी है ध्यान रखें यह हो गया आपका पूरा टॉपिक अब आइए हम लोग इसको आई करते हैं देन आएगा मजा ठीक है अच्छा खासा आई क्यू आई है एक एक क्वेश्चन पर काम करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है जीएस फोर दो का आपके सामने क्या है अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है यानी अगर आप गरीबी में हैं तो भाई ऑब्बियस अपना जीवन बेहतर करने के लिए आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं करना नहीं चाहिए बट एक भ्रष्टाचार कर सकते हैं ऐसी एक मान्यता है एक सामान्य मानसिकता है कि लोग ऐसा सोचते हैं ठीक है ना परंतु ऐसे भी उदाहरणों की आ गया भैया ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं देयर इज नो डर्थ ऑफ वेयर एफ्लुएंट एंड पावरफुल इंडल्ज इन इन करप्शन अ बिग बिग तो अब आ गया बच्चे आ गया आ गया आ एग्जाम्पल कि नहीं आ गया ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है तो एग्जाम्पल क्या आ गया एग्जाम्पल आपके सामने आ गया चंदा कोचर का दीपक कोचर का और उसके साथ साथ वेणुगोपाल धूत का तीनों का एग्जाम्पल यहां आ गया कि नहीं ऐसे उदाहरण हैं जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में यानी सत्रह सौ करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया तो आप देख सकते हैं आपको किस हिसाब से जो कंटेंट या जो भी मुद्दे आज चल रहे हैं उसको आपको यूज करना सीखना है जो भी नए बच्चों के ध्यान रखेंगे इसी को बोलते हैं आईक्यूआईपी इंटर आईक्यूआईपी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कंटेंट को पढ़ना है उसको यूज करना ना केवल यहां पर जीएस का मैं करता हूं इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल का भी करना है जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं आपको बुक पढ़नी है बुक को यूज कर लेना है यानी किताबों में जो पंक्तियां लिखी है, उससे उसको हमें निकाल लेना उसका हमें यूज कर लेना है ध्यान रखेगा अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है ठीक है वाट आर द बेसिक कॉज ऑफ करप्शन एमंग पीपुल लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के क्या कारण है आखिर क्या कारण है Support योर answer विद एग्जाम्पल उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को पुष्ट कर यानी इनको बताइए तो सबसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा हम इस भ्रष्टाचार के उदाहरण को बता सकते उसके बाद हम बताएंगे क्या कह रहा है सपोर्ट योर answer विद एग्जाम्पल किस what आर द बेसिक कॉज यानी करप्शन के पीछे का बेसिक कॉज क्या है यानी लोग करप्शन क्यों करते हैं भ्रष्टाचरण क्यों करते हैं तो इसके क्या रीजन है इसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे ऑब्वियस है एक प्रश्न ही इसका उत्तर है एक प्रश्न ही इसका उत्तर जो यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता के लिए पर लालच के लिए नहीं तो आप देख सकते हैं जीएस फोर ट्वेंटी पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता की पूर्ति के के लिए काफी है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं ठीक है ना देयर इज एनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरी वंस नीड बट फॉर नो वंस ग्रीड याद रखिए क्या है वंस नीड तो ग्रीड तो अब आपको क्या बताना है यानी यहां पर यह बताना है क्या करा क्या कह रहा है लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या तो पहला कारण तो हो गया लालच ठीक है ना क्या है ग्रीड क्या है ग्रीड यानी लालच तो एक रीजन आपका ये हो गया कि लालच है लालच के कारण लोग भ्रष्टाचार करते हैं अब ये लालच की भी बहुत सी कैटेगरीज हो सकती है आप बता सकते हैं लालच किस किस चीज का यानी किसी पद का किसी प्रतिष्ठा का यानी सम्मान का ठीक है इसके अलावा आर्थिक लाभ का जैसे चंदा कोचर को हुआ ठीक है तो पद प्रतिष्ठा आर्थिक लाभ या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ जैसे वही हो गया पद प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ आप लिख दीजिएगा तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ठीक है लालच का जिसके कारण लोग करते हैं इस प्रकार का कृत इसके अलावा और कौन से कारक हैं तो आपको बताना है यानी अब यहां पर आ जाएगा मूल्यों का क्षरण क्या हो जाएगा मूल्यों का क्षरण ठीक है मूल्यों का क्षरण तो आपको यह दिखा देना यानी लोगों में मूल्यों की कमी हो रही है कौन से मूल्यों की कमी हो रही है? वो भी यूपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा गांधी जी के सात सामाजिक पाप यानी महात्मा गांधी के सात पापों की संकल्पना वो क्या कहते हैं कि अगर आप क्या करते हैं <coughs> कहा गया भाई वेल्थ विदाउट वर्क यानी बिना परिश्रम के धन अर्जित करते हैं या बिना नैतिकता के व्यापार करते हैं तो ये क्या है ठीक है ना ये सात सामाजिक पापों में से एक पाप है गांधी जी के अनुसार तो मूल्यों का क्षरण यही है आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि यानी बिना परिश्रम के धन प्राप्त करने की आकांक्षा या नैतिकता के बिना व्यापार करना यह भी एक रीजन है और इस हिसाब से अपनी चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं तो देख सकते हैं इस प्रश्न में 100 प्रतिशत इंटरलिंक हुआ कि नहीं हुआ टॉपिक आप कहेंगे जी हां सर 100 प्रतिशत क्योंकि वो खुद ही कह रहा उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए आपको एग्जाम्पल्स चाहिए इसीलिए मैं कहता हूं कि यानी इथिक्स क्या है जीएस फोर एग्जाम्पल है ऐसे क्या है एग्जाम्पल है हमेशा याद रखेगा जो भी ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं वो सब एग्जाम्पल अगर आपको डेढ़ साल दो साल का जो भी आपके देश में घटित हो रहा है वो पता है जीएस में जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं हिस्ट्री की कुछ कहानियां पता है कुछ रेफरेंसेस कुछ संदर्भ पता है तो आसानी के साथ आप कोई भी निबंध लिख ले जाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं 2018 देखिए जीएस पेपर फोर ये सीधे सीधे चंदा कोचर के ऊपर यह प्रश्न आया है जो लाइन यहां लिखी हुई है ये वाली लाइन देखिए इनके ऊपर ठीक है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां करी कोड ऑफ कंडक्ट का इंटरनल पॉलिसीज का उल्लंघन किया और एक सक्सेसफुल महिला का कैरियर इस, इस तरीके से समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए इनके ऊपर प्रश्न है क्या प्रश्न है और आईसीआईसीआई को सत्रह सो करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा किसकी वजह से चंदा कोचर की वजह से तो जो आईसीआईसीआई को सत्रह सो करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा वो सीधा इसी टॉपिक में आके लग रहा है नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं सौ प्रतिशत इंटरलिंक होगा भी सौ प्रतिशत यानी एक भी परसेंट कम नहीं है नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं सत्यनिष्ठा बुद्धिमता और ऊर्जा अब देखिए लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर थ्री क्वालिटी को किसी भी पद पर बैठाना देखते हैं कि उस व्यक्ति में, क्या तीन गुण है तीन गुण कौन कौन से पहला है सत्यनिष्ठा जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी इंग्लिश में दूसरा है बुद्धिमत्ता जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस और तीसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी इन तीनों को अगर किसी व्यक्ति में या तीनों गुण दिखाई दे तो इंसान कहता है भाई से चूज कर लो जैसे आप आई के इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो आई के इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे क्या पूछेंगे वो तो आपसे यही पूछेंगे भैया यानी आपके अंदर क्या खोजेंगे पूछने से अच्छा वर्ड हो जाएगा आपके अंदर क्या खोजेंगे तो आपके अंदर वो खोजेंगे कि ये कितना सत्यनिष्ठ है कितना बुद्धिमान है कितना ऊर्जावान है तीनों गुण अगर दिखाई दे गए इंटरव्यू के दौरान तो आपका सिलेक्शन फिक्स है लेकिन अब आगे प्रश्न देखिए यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे ठीक है एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट यानी अगर इंटीग्रिटी नहीं है ये खत्म कर दो तो ये बुद्धिमता और ऊर्जा दोनों मिलकर के संगठन को विनाश की तरफ लेके चले जाएंगे यही लिखा हुआ वारन बफेट यानी ये महत, एक बहुत बड़े उद्यमी हैं उनका स्टेटमेंट है वारन बफेट यानी बहुत बड़े विश्व के आंतर और है उनका यह स्टेटमेंट है अब मुझे बताइए यहां पर अगर हम लिख दें चंद आईसीआईसीआई बैंक में फ्रॉड का मामला धोखाधड़ी का मामला और सत्रह करोड़ रुपए का नुकसान और नुकसान में भूमिका किसकी चंदा कोचर की तो क्या यह चंदा कोचर का एग्जाम्पल यहां आकर के लगेगा कि नहीं फटाफट बताइए क्या है चंदा कोचर का उदाहरण यहां पर फिट होगा कि नहीं होगा यानी आप लिखेंगे कि आईसीआईसीआई फ्रॉड केस में चंदा कोचर का इन्वॉल्वमेंट तो यह दिखाता है कि उनमें सत्यनिष्ठा बुद्धिमत्ता और ऊर्जा तीनों थी इसीलिए आईसीआईसीआई के सीईओ और एमडी के पद तक पहुंची लेकिन उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं थी इसलिए आईसीआईसीआई को सत्रह सौ करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा तो आप यहां पर यह पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं अब आते हैं जीएस पेपर -पे -पे फोर दो में बच्चों क्वेश्चन आया था क्वेश्चन क्या है अब एक बार आप देख सकते हैं ठीक है क्वेश्चन क्या है बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों विवेचना कीजिए वाट टीचिंग आप बुद्धा आर मोस्ट रेलिवेंट टूडे एंड वाई डिस्कस ठीक है बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज प्रासंगिक है तो अब आप देख सकते हैं इथिक्स में पूछा यही क्वेश्चन जीएस वन हिस्ट्री में भी कभी भी आ सकता और आया भी है जीएस वन हिस्ट्री में भी आया बुद्ध की प्रासंगिकता जीएस तो अगर बुद्ध की प्रासंगिकता तो बुद्ध सत्य हिंसा अपरिग्रह क्या है अपरिग्रह यानी कम धन का संचय जितनी आवश्यकता है उतना ही धन का संचय करना है याद रखेगा कम धन का यानी जितनी आवश्यकता है उतने ही धन का संचय तो बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज तो आप बताएंगे आज आईसीआईसीआई के फ्रॉड आई के फ्रॉड के संदर्भ में ठीक है ना बुद्ध की अपरिग्रह की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके साथ साथ उनका मध्यम मार्ग भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है तो यहां पर एक एग्जाम्पल यानी वर्तमान आई फ्रॉड केस को आप डाल करके लिख सकते हैं यह होगा इंटरलिंकिंग यानी जिस दिन आप मेंस देने जा रहे हैं उस दिन तक आपको इंटरलिंकिंग करनी अब फिर आते हैं देखिए एक क्वेश्चन है जीएस पेपर फोर 2017 में ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है यानी पब्लिक सेक्टर के लिए किसके लिए सरकारी क्षेत्र के लिए है लेकिन इसको हम निजी क्षेत्र पर अप्लाई करेंगे चूंकि भाई अभी सरकारी क्षेत्र पर आए लेकिन सिलेबस तो निजी क्षेत्र भी है अभी आपने पढ़ा था ना सिलेबस निजी क्षेत्र में नैतिक चिंता दुविधा तो ये निजी क्षेत्र में नैतिक चिंता का विषय है बट ये क्वेश्चन है कि कौन सा सर, मतलब सरकारी क्षेत्र का लेकिन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर हम प्राथमिकता देते हैं पदीय कर्तव्य सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित देख लीजिए यानी प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता उदाहरण सहित पढ़न कीजिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही हो गया कि हम जिस पद पर बैठे हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिस चेयर पर यानी आप आईएएस में आईपीएस में ऐसा करिए, या हम आईसीआईसीआई की एमडी और सीईओ चंदा कोचर तो हम जिस पद पर बैठे हुए हैं ध्यान रखिए क्या है हम जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद का अगर हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल करते हैं या करने की इच्छा अपने मन में रखते हैं इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का संघर्ष कि हमारा जो हित है इंटरेस्ट है वो कहां होना चाहिए यानि अपने पदीय कर्तव्यों को निभाने में लेकिन हमारा इंटरेस्ट कहां हो रहा यानी निजी लाभ तो चौसठ करोड़ रुपए के निजी लाभ के लिए चंदा कोचर ने क्या किया यानी आपके सामने क्या कर दिया यानी पदीय कर्तव्य का त्याग कर दिया और व्यक्तिगत हित को वरीयता दिया और एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जिससे जिस, जिस कंपनी की वह हेड थी सत्रह सौ करोड़ रुपए का उनको नुकसान उठाना पड़ा यानी उनकी सत्रह सौ करोड़ रुपए की संपत्ति आईसीआईसीआई की एनपीए हो गई तो आप देख सकते हैं अब यह सरकार के लिए लेकिन इसको मैं क्या करूंगा देखिए निजी क्षेत्र अब यह सार्वजनिक को मैं हटा दू दे सिलेबस का पार्ट है निजी क्षेत्र केवल एक शब्द चेंज करूंगा यह मॉडल क्वेश्चन बन जाएगा क्या बन जाएगा ये एक नया मॉडल क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें क्या बन जाएगा एक नया मॉडल क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो क्या कह रहा है निजी क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर यानी आईसीआईसीआई की एमडी प्लस सीईओ के रूप में चंदा कोजर का पदीय कर्तव्य ठीक है ना अब उसके बाद ऑबियस इसमें सार्वजनिक हित की जगह हम कर दें ऑबियस है कारपोरेट हित हम कर दें क्या कर दें कारपोरेट हित यानी आईसीआईसीआई उस, उस कंपनी का हित और व्यक्तिगत हित यानी उनका अपना तो आप देख सकते हैं प्रशासन में फिर कह रहा इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा, तो जा सकता तो ऑब्वियस है निजी प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता तो ऑब्वियस है निजी क्षेत्र में भी हमें नैतिकता के आदर्शों के द्वारा ही यानी निजी क्षेत्र में नैतिकता के आदर्शों के द्वारा ही हम इस संघर्ष को सुलझा सकते हैं यानी अब वो कैसे होगा तो यानी परिवार स्कूल और उसके साथ साथ सोसाइटी के द्वारा बैलू का बैलू को मूल्यों को इनकलकेट किया जाना यानी व्यक्ति के अंदर मूल्यों का आरोपण करना किसके द्वारा परिवार के द्वारा शिक्षण संस्थाओं के द्वारा और उसके साथ साथ सोसाइटी के द्वारा इसके बाद और क्या यानी नेताओं सुधारकों प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा और उस शिक्षा में यह विशेष रूप से ध्यान कराना कि मीन्स एंड्स का एक रिलेशन होता है वो प्योर होना चाहिए यानी किसी भी प्रकार का आपको धन कमाना है तो उसके लिए धन आपका एंड्स है अंतिम लक्ष्य है लेकिन उसके लिए आपको गलत मीन्स का इस्तेमाल नहीं करना है गलत माध्यम का इस्तेमाल नहीं करना है इस प्रकार की शिक्षा अगर दी जाएगी तो स्वाभाविक है हम इस प्रकार के संघर्ष से बच जाएंगे इसके साथ साथ जो लोग किसी भी कंपनी में किसी भी फर्म में काम करते हैं उनको उस कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को और जो इंटरनल पॉलिसी होती है उसका सौ प्रतिशत अनुपालन करना चाहिए यही बात आप लिख देंगे इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा जीएस फोर दो हजार सोलह में आपके सामने प्रश्न है महात्मा गांधी की सात पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए अब कह रहा सात पाप तो एक, एक पाप इसी में से नैतिकता के बिना अगर आप व्यापार करते हैं तो आप इस केस में यानी गांधी के सात पाप की संकल्पना तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे आप इसको ऐसे कह सकते हैं विदाउट वर्क परिश्रम रहित धनोपार्जन और ठीक है ना कॉमर्स विदाउट मोरलिटी दोनों में आएगा तो ये परिश्रम रहित धनोपार्जन है ध्यान रखिएगा इसमें यानी भ्रष्टाचार का सहारा लिया गया है और जो व्यापार है इसमें भी सदाचार यानी जो वेणुगोपाल धूत का एग्जाम्पल है वो व्यापार में उन्होंने नैतिकता का अनुपालन नहीं किया तो ये दोनों आप जब भी लिखेंगे तो इन सातों का आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो सातों का सात एग्जाम्पल देते हैं तो अगर ये दस नंबर का है तो दस के में से आपको नौ नंबर मिल जाएगा लेकिन इतना हम नहीं भी करते हैं अगर सात में से चार पांच का भी एग्जाम्पल देते हैं तो दस में से सात नंबर आपको मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है थ्योरी में ठीक है अक्सर आप लोग खुद सोचिए कि जब आप इस प्रकार के आंसर को टेकल करने बैठते होंगे प्रीवियस प्रीवियसियस क्वेश्चन तो उठाते होंगे आप आप मुझे खुद बताइए कि सात पापों की संकल्पना प्रश्न पर अगर आपने कभी विचार किया हो तो कितने एग्जाम्पल याद आते हैं ऑनेस्टी से सोचिए तो अगर नहीं याद आते हैं तो स्वाभाविक है डेली जो हम लोग यहां कर रहे हैं वो आपको याद कराएंगे अब आगे बढ़ते हैं दो पृथ्वी पर पृथ्वी पहारे की आवश्यकता पूर्व के लिए काफी पर किसी के लालच के लिए यानी नीड के लिए है बट ग्रीड के लिए नहीं महात्मा गांधी का स्टेटमेंट सीधा सीधा यानी आप इस निबंध की भूमिका ही शुरू कर सकते हैं आईसीआईसीआई फ्रॉड केस से इस केस को लिखिए और फिर इसमें जो मामला है उसको थोड़ा विस्तार के साथ लिखिए और पैराग्राफ चेंज करिए कि आज ये यानी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं ऐसे में ऐसे में गांधी जी का यह स्टेटमेंट पूर्णतया सही प्रतीत होता है आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी है पर लालच के लिए नहीं उन्होंने लालच किया तो आज वो सलाखों के पीछे हैं। तो इस ऐसे के अंदर भी आप उसको अच्छे से कोड कर सकते फिर देखिए 2016 का आया हुआ आवश्यकता लोभ की जननी ये ऐसे है क्या है निबंध है ये निबंध है आवश्यकता लोभ की जननी तथा लोभ का नस्लें बर्बाद करता है सेम नीड ब्रिंग्स ग्रीड ग्रीड इफ इंक्रीजेस इट ब्रीड अब देखिएगा यानी अब देखिए लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है अब आप कहेंगे सर ठीक है ना ब्रीड ब्रीड को बर्बाद करता है जरा देखिएगा कैसे अब इसको अगर देखना है तो इसको अगर मुझे स्टार्ट करना हो जा हिस्ट्री का मैं टीचर हूं हिस्ट्री विषय ही में ठीक है ना तो अब इसको लिखना तो हिटलर का एक एग्जाम्पल हम ला सकते हैं ठीक है ना हिटलर ठीक है तो हिटलर को क्या लगा कि अब वो एक ऐसा क्षेत्र डेवलप करेगा जिसमें जर्मन क्षेत्र जहां पर भी जर्मनी के लोग ज्यादा हैं वो सब हमारे साथ एक ग्रेटर जर्मनी का निर्माण करेंगे बृहत्तर जर्मनी का निर्माण उसको इस चीज की आवश्यकता लगी कि ऐसा करना चाहिए लेकिन इसी आवश्यकता से उसके अंदर लोभ आ गया और उसने बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो चल पड़ा इसके परिणाम क्या होंगे वो चल पड़ा और पोलैंड में जैसे ही घुसा इंग्लैंड ने अटैक किया और युद्ध शुरू हो गया और इसने ना जाने कितनी नस्लें बर्बाद कर दी तो यानी आवश्यकता हिटलर के लिए क्या था लोभ की जननी के रूप में सामने आया और उसने नस्लें बर्बाद कर दी ऐसा एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं लेकिन फिर भी अगर हम यहां से एग्जाम्पल डालें तो इस एडिटोरियल से भी डल जाएगा नस्लें कैसे यानी के एमडी और सीईओ ने यानी आवश्यकता और लोभ के अंतर को समझा नहीं और नस्लें बर्बाद करने का मतलब है कि अगर एक बैंक का एनपीए 1700 करोड़ हो गया तो स्वाभाविक है ये इस बैंक की क्षमता ऋण देने की कम हो गई और इस बैंक की जब ऋण देने की क्षमता यानी बैंकिंग करने की क्षमता कम हुई तो जो भी आई बैंक के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो फ्यूचर में जुड़ते तो स्वाभाविक उनको जो लाभ मिलता वो नहीं मिल पाया तो ऐसे में नस्लें बर्बाद करने वाला वाक्य या उदाहरण यह भी हो गया आप यहां पर भी डाल सकते हैं अब इसके बाद आते हैं ये हटाते नहीं ठीक है इसको हटा देते हैं बच्चे ये पिछला क्वेश्चन है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो न्यूज यहां पर पूरी आपको पहली बता दी गई देख सकते हैं अब आप जरा आइडिया लगाइए कि मुझे अभी यहीं पर कमेंट करके बताइएगा कि इस न्यूज को पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा ऑनेस्टली से बताइएगा इस न्यूज को पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा और आई क्यू आई पी करने में कितना टाइम लगा तो आप यही कहेंगे सर आपको न्यूज पढ़ने में या एडिटोरियल पढ़ने में समय नहीं लगा आई क्यू आई पी करने में ज्यादा टाइम लगा इसीलिए मेरे लेक्चर लंबे होते हैं बिकॉज मैं उसको यूज करना सिखाता हूं ध्यान रखिएगा अब आते हैं ईयर ऑफ डिपोजिटर्स इन ट्वेंटी

प्रश्न उठता कि डिपॉजिटर का ईयर होगा 2023 क्यों होगा यानी जमा करने वालों का, यानी बहुत से पैसे बैंक में जमा होंगे ये एडिटोरियल है। अब आपको लगना चाहिए कि यार कैसे होंगे तो जो कैसे होंगे वह हम समझाने वाले हैं 2023 में जमा करता का वर्ष तो इसको मैं पहले दिखा दूर क्या लिखा हुआ रिवीजन ऑफ मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स इन 2022 क्या है रिविजन ऑफ मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स अब आप कहेंगे सर हम इसको क्यों पढ़े तो फिर मैं कहूंगा कि देखिए लिखा हुआ ना जीएस थ्री इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना यानी इंडियन इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है ना माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी तो हमेशा कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर हैं मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी जो इंडिकेटर हैं समस्त आर्थिक स्थिरता के जो संकेतक हैं अगर वो स्ट्रांग हैं, तो वह देश स्वाभाविक है यानी अच्छी जीडीपी ग्रोथ दर्ज करेगा और उसके साथ साथ वहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास भी होगा हमने इसको कई बार आपके सामने जिक्र किया है यानी चाहे बेसिक क्लास हो चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की क्लास हो तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिक, इंडिकेटर यानी समस्ट आर्थिक स्थिरता सूचकांक में बहुत से एलिमेंट होते हैं सबका जिक्र मैं नहीं करूंगा उसमें से एक बैंकिंग पूंजी भी होती है यानी बैंकिंग कैपिटल इसका मतलब बैंक हमारे जितने मजबूत होते हैं बैंकिंग पूंजी बैंकिंग कैपिटल तो बैंक हमारे जितने मजबूत होते हैं और जितने भी मजबूत होंगे तो ऐसे में इकोनॉमी बेहतर होगी क्योंकि अगर ये मजबूत होंगे तो ऑब्वियस है ये क्या करेंगे ऋण लेने वालों को ऋण देंगे इसके साथ साथ जमा करने वालों का पैसा जमा करेंगे यानी बैंकिंग की प्रोसेस को बेहतर करेंगे और स्वाभाविक है बैंक मजबूत है तो ऐसे में निवेश वगैरह बेहतर होता है ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ बैंक अगर मजबूत है तो लो रेट पर वो क्या करते हैं ऋण वगैरह देते हैं तो मार्केट में डिमांड भी बनती है तो बैंक निवेश भी बढ़ाते हैं बैंक कंज्यूमर के हाथ में उस निवेश से उत्पादित जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उसको खरीदने का पैसा भी देते हैं तो कंज्यूमर भी बनाते हैं और इन्वेस्टर भी बनाते हैं दोनों चीजें बनाते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक मजबूत एलिमेंट है तो ऐसे में जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की निगाह से ही बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे कि 2022 में हम यहां कहां हैं क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं और उसके साथ साथ हमने क्या क्या एक्शन किया है यह विषय हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा इसीलिए मैंने यहां पर एक एसे बना दिया है बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बैंकिंग सुधार और आर्थिक समृद्धि विकास या हम इसे समृद्धि कह सकते हैं याद रखिएगा समृद्धि शब्द लीनियर हो जाता है जीडीपी और विकास हो जाता है यानी बृहत्तर मल्टी डायमेंशनल विकास तो बैंकिंग रिफॉर्म्स तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग रिफॉर्म किस किस प्रकार का यानी आपकी जीडीपी को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा अब यहां से हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यानी मॉडल क्वेश्चन जो है वो टॉपिक भी अंदर है डू यू एग्री क्या कह रहा है जरा समझिएगा डू यू एग्री विद द व्यू दैट बैंकिंग पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस जी डी पी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि बैंकिंग नीति अस्थाई सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है यानी जो हमारी बैंकिंग पॉलिसी है देखिए यही है अब आप कहेंगे क्वेश्चन आपने कैसे बनाया 2019 का 2019 का वो क्वेश्चन जरा याद करिए क्वेश्चन क्या था <laughs> कि स्टीडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के कारण क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है <laughs> सॉरी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया तो उसी प्रश्न के आधार पर यहां पर यानी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बैंकिंग नीति है तो जो बैंकिंग नीति 2022 में रही है क्या वो यानी अस्थाई सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है ठीक है क्योंकि मुद्रास्फीति तो कम हो गई आप सबको पता ही गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए आप हाँ या ना कुछ भी बोलिए उसके लिए कारण दीजिए तो हम यह विषय भी पढ़ने जा रहे हैं इस आज के एडिटोरियल में ठीक है तो देखिए खूब प्रैक्टिस करने को मिलेगा जैसे आप लोग कहते हैं टॉपर्स कहते हैं कि प्रीलिम्स में खूब टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए तो मेंस में क्या करिए प्रीलिम्स के लिए खूब टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए सारे टॉपर्स कहते हैं तो मेंस के लिए क्या करिए मेंस के लिए ढेर सारे प्रश्न सॉल्व करिए और मैं डेली कितने प्रश्न देता हूं आप सोचिए अगर महीने का निकालिए तो डेली प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो मुझे लगता है डेली में कम से कम कुछ नहीं तो पांच लगभग पंद्रह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और पंद्रह यानी बारह से पंद्रह क्वेश्चन तो अगर आप पंद्रह क्वेश्चन तो महीने का आप निकाल लीजिए मतलब पैतालीस लेकिन मैं चार सौ क्वेश्चन चार सौ क्वेश्चन एक महीने में आप प्रैक्टिस करिए एक साल में बारह चौक अड़तालीस साढ़े चार हजार क्वेश्चन सोचिए दो साल में दस हजार क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कोई सिलेक्शन कैसे किसी का रोक सकता है आप खुद सोचिए तो राइटर यही कहते हैं ठीक है ना कि दो में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो क्या होगा यानी वह समृद्धि के या विकास के एक इंटरेस्टिंग फेज यानी दिलचस्प चरण में प्रवेश करेगा और वह दिलचस्प चरण इस पिक्चर से स्पष्ट है देखिए लोग खड़े हुए हैं पैसा जमा कराने के लिए ऐसा एज्यूम करिए ठीक है ना क्लियर है ये देखिए यानी डिपॉजिटर्स बहुत आएंगे अब आपके दिमाग में यहीं से एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाइए पहले फैक्ट फिर कॉन्सेप्ट की सर ने कहा फैक्ट कि दो में बैंकिंग एक इंटरेस्टिंग फेज में जाएगी यानी डिपॉजिटर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी अब आपके मन में यानी एक अगली बात आनी चाहिए कि कैसे डिपॉजिटर्स की संख्या कैसे? तो जब पूरा अच्छे से समझेंगे तब आप समझ पाएंगे डिपॉजिटर क्यों 2023 में बैंकिंग उद्योग में एक बड़ी भूमिका में आ जाएंगे तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ठीक है ना अब आता है कि या बैंकिंग सेक्टर एक इंटरेस्टिंग फेज में कैसे जाएगा क्यों जाएगा तो बताया गया बहुत से रीजन है बहुत से कारण है जिसके कारण जो है बैंकिंग सेक्टर एक दिलचस्प स्थिति में जाएगा तो यहां पर बताया गया है तो क्या क्या हमने रिफॉर्म किया है 2022 में पूरी लिस्ट है बच्चे तो समझ लो आपका एक प्रकार से वर्षांत समीक्षा हो गई है ये और जो एडिटोरियल में ही दिया गया था आप देख सकते हैं बड़ा एडिटोरियल है इसको आप देखेंगे यानी एक एक चीज ठीक है अब हम आगे बढ़े तो क्या क्या इसमें कहा गया तो यहां पर कहा गया कि वर्ष 2022 में हमने मुद्रा स्पीति से निपटने के लिए रेपो रेट को 225 बेसिस अंकों तक बढ़ाया यानी लगातार हमने रेपो रेट को बढ़ाया और रेपो रेट को क्यों बढ़ाया क्योंकि हमारे यहां पर यानी महंगाई ज्यादा थी तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया गया आप सबको यह बात पता अब उसको फिर दूसरा क्या कहा गया यानी पहला तो आरबीआई ने यानी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को टाइट किया मॉनेटरी पॉलिसी टूट टूल को सख्त किया मौद्रिक नीति का रेपो क्या है मौद्रिक नीति के दो उपकरण होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं पहला होता है मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव तो ये रेपो रेट क्या है ये मात्रात्मक है रिवर्स रेपो रेट क्या है ये मात्रात्मक है ये मात्रा की बात करता इतने परसेंट इतने परसेंट इसको बोलते हैं मात्रा तो यहां पर यही कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया यानी मात्रात्मक टूल्स को सख्त किया जिससे मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी उसको सख्त कर लिया जाए तो रेपो रेट को लगातार बढ़ाया इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा फिक्स्ड रेट रिवर्स यानी रिवर्स रेपो को भी 3.35 परसेंट पर बरकरार रखा इसके साथ एक नया इनिशिएट किया इसके साथ एक, अन, एक नया इनिशिएट किया यानी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मेरे प्यारे बच्चों 8 अप्रैल 2022 को क्या किया क्या किया याद रखें आरबीआई ने 8 अप्रैल को 3.75 प्रतिशत रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम की ब्याज दर पर अस्थाई जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को शुरू किया और यह जो सुविधा थी इसमें किसी भी प्रकार के कोलेट्रल को जमा किए बिना मार्केट में जो अतिरिक्त तरलता है उसको शक करने की यानी उसको लेने की व्यवस्था इसके तहत की गई यानी अभी तक रेपो रिवर्स रेपो दोनों में कोलेट्रल जमा करना पड़ता था लेकिन इसके अंतर्गत कोई भी कोलेट्रल यानी जमानत के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेपो में वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई के पास रखते हैं और रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंकों के पास जमा करता है वो व्यवस्था यहां पर एस के द्वारा समाप्त कर दी गई इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा इसका मतलब है कि जो भी अतिरिक्त तरलता है मार्केट में जिसके कारण से महंगाई है उसको बिना किसी जवाबदेही के अकाउंटबिलिटी के लेने की व्यवस्था को एस कहा गया है यानी एस भी क्या है एक क्वांटिटेटिव टूल है जिससे 8 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने हमारे सामने रखा तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और एस इन तीनों के द्वारा आरबीआई ने मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी उसको शक करने का पूरा प्रबंध किया तो ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप कोई भी प्रश्न चाहे निबंध पर ऐसे ऐसे पर डील करते हैं तो आपको दो कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए एक एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी विस्तारवादी राजकोषीय नीति और यही है लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी यानी उदार मौद्रिक नीति तो ये दोनों तब किया जाता है जब इकोनॉमी एक, में सरकार को लगता है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये लगता है आरबीआई को ये लगता है कि मार्केट को थोड़ा फोर्स यानी बल देने की जरूरत है तो वो लोग उदार नीतियां अपनाते हैं तो बट जब उन्हें लगता है कि अब मार्केट में महंगाई बढ़ रही है और उसका रीजन है विस्तारवादी राजकोषीय नीति और उसके साथ साथ उदारवादी मौद्रिक नीति तो वो क्या करते हैं विस्तारवादी राजकोषीय नीति को यानी जो सरकार मार्केट में पैसा डाल रही है स्टिमुलस पैकेजेस के रूप में विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के रूप में सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अपना लेती है ध्यान रखें यानी संकुचनकारी राजकोषीय नीति अब वो पैसा कम डालती है या डालना बंद कर देती है और वही नीति यानी कॉन्ट्रेक्शन वाली यह आरबीआई भी अपनाती है जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो तो आपको ये सारे फैक्ट इसलिए पता होना चाहिए बच्चों क्योंकि जब आप कोई अच्छा सा प्रश्न लिख रहे हो जैसे आपसे पूछ ले कि वर्तमान दौर में सरकार की राजकोषीय नीति और आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा कीजिए अब मान लीजिए ये आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे आप समीक्षा कीजिए और उसके बाद आगे कुछ वो टेल लगा दे तो आपको जब तक ये फैक्ट्स पता नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कौन कौन सी कौन कौन से स्टेप अपनाए तो क्या आप टेकल कर पाएंगे तो तीन स्टेप आपको मैंने बता दी अब यहां पर प्रीलिम्स के लिए अभी इसको आप ऐसे ही पॉइंट पकड़े रहेगा एक बार पढ़ लीजिए कब आया ये मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले पीटी का प्रश्न चूंकि एस पर दो हजार में प्रश्न आ सकता है ध्यान रखेगा इसलिए आ सकता है चूंकि एक नया जो है ये सिस्टम है तो आपसे पूछ सकता है तो सबसे पहले किस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में इसकी रिकमेंडेशन की 2018 में आरबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया और आरबीआई एक्ट की एक धारा है ठीक है ना जो अमेंडेड है उसमें यानी धारा 17 ने आरबीआई को इस बात का अधिकार दिया कि आरबीआई एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को शुरू करे तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा सेक्शन 17 और ये सारी बातें और यह क्या था यह क्या था एक एडिशनल टूल था यानी रेपो रेट के अलावा यह एक एडिशनल टूल था एक सहायक उपकरण था जिसका उपयोग किस लिए किया गया बच्चों यानी बिना कोलेट्रल के बिना जमानत की राशि मतलब ऐसा समझाने के लिए कर रहा हूं बिना कुछ जमानत रखे हुए तो बिना किसी कोलेट्रल के मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको सोख लेने के लिए उसको अवशोषित कर लेने के लिए उसका यानी इसको शुरू किया गया याद रखेगा तो हम एस डी एफ को में पूछ ले क्या कहेंगे तो एस डी एफ को हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल कहेंगे वित्तीय स्थिरता उपकरण कहेंगे याद रखेगा जिसका रोल है क्या यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट में तरलता के प्रबंधन में तो ऑप्शन में कुछ भी आए एस डी एफ किस लिए है आ सकता है लिक्विडिटी ए बी सी डी एक में लिखा रहेगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट फिर एस डी एफ क्या है लिखा रहेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल तो कुछ भी हो सकता है यूपीएससी यानी इसी को कभी इस रूप में पूछ सकता है कभी इस रूप में पूछ सकता है तो आप यहां से देख सकते हो सारा फैक्ट आपको बता दिया गया ठीक है और वो मैंने पहले बता दिया एस को समझना यानी इसमें किसी प्रकार के कोलेट्रल को रखने की आवश्यकता नहीं है याद रखेगा ठीक है ठीक है क्लियर हो गया तो यहां पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है आपको सब पता है ठीक है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोलेट्रल रखना पड़ता है लेकिन एस में नहीं रखना पड़ता है याद रखेगा ठीक है अब ये हो गया प्रीलिम्स में डी एफ इंट्रोड्यूस तो अब आता है एसडीएफ को क्यों लाया गया तो यहां कहा गया 2017 में जो हमने डेमोनोटाइजेशन किया विमुद्रीकरण किया उसके कारण बैंकों में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई बहुत ज्यादा पैसा आ गया ठीक है तो उसको मैनेज करने के लिए यानी साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई बैंकों के पास तो इसी को मैनेज करने के लिए इसको लाया गया याद रखिए तो आई होप कि एसडीएफ क्यों लाया गया पहले भी मैंने कराया अभी भी यानी आपको बहुत अच्छे से अगर पूछ लेगा कि एस क्यों लाया गया तो सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ गए तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है 2022 में तो आपके सामने तीन पॉइंट आए यानी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेपोरेट उसके साथ साथ एस तीनों में उसका उद्देश्य यही रहा है कि जो बाजार में अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता है उसको उसको शक कर लिया जाए अवशोषित कर लिया जाए यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई और आपको एक कॉन्सेप्ट यह भी समझ में आ गया होगा कि देखिए कोई भी नीति होती है हमेशा अस्थाई नहीं होती इकोनॉमिक्स में कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है यानी परिस्थिति के हिसाब से नीतियां बदलती रहती कोविड आया था कोविड के बाद आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी तो ऐसे में सरकार ने भी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाई यानी विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई और स्टिमुलस पैकेजेस जारी किए और आरबीआई ने भी लोगों के हाथ में पैसा जाए चाहे इन्वेस्टर हो लोगों के हाथ में पैसा जाए चाहे इन्वेस्टर हो और उसके साथ साथ चाहे कंज्यूमर हो दोनों के हाथ में पैसा जाए इसके लिए उसने उदार मौद्रिक नीति अपनाई ध्यान रखेगा लेकिन 2021 के अंत तक पहुंचते पहुंचते यह प्रतीत हो गया कि यह जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई गई थी यानि सरकार के द्वारा भी और के द्वारा भी इसके कारण से केवल हिंदुस्तान में अपितु संपूर्ण विश्व में मुद्रा स्फीति की स्थिति बनने लगी यानी महंगाई बढ़ने लगी तो स्वाभाविक था महंगाई को नियंत्रित करना सरकार को और आरबीआई को अपना एक प्रमुख लक्ष्य लगा और उन्होंने 2022 से आ, यानी 2022 से उन्होंने क्या किया कठोर राजकोषीय नीति और कठोर मौद्रिक नीति को अपनाना शुरू किया आई होप आप इस को बहुत अच्छे से समझ गए ठीक है तो जब जैसी आवश्यकता तब वैसी नीति अपनाई गई ध्यान रखें अब आप कहेंगे सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं जैसे बच्चे यूपीएससी के जो प्रश्न आते उनमें एक ना एक, एक डेफ होती अब उसने पूछा यह नीति गतिहीनता थी पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया अब अगर इस प्रश्न को डील करना है अगर आज के रेफरेंस में यह प्रश्न आ जाए तो ऑबियस आपको यह सारा पता होना चाहिए ना एक्सपेंशनरी क्या है कॉन्ट्रेक्शनरी क्या है सरकार की क्या है आरबीआई की क्या है लॉकडाउन के बाद क्या नीति थी अभी क्या नीति है 2023 में क्या रहेगी जब तक ये सारा आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से पता नहीं होगा तो स्वाभाविक आप प्रश्न को बहुत बेहतर ढंग से टेकल नहीं कर पाएंगे ये आप ध्यान रखें अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं यानी एक पार्ट समझिए फिनिश हुआ अच्छे से आपको समझ में अब आगे बढ़ते हैं अब वो कह रहे हैं कि बट एक स्थिति इस समय सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही ऊपर वाला आप देखेंगे क्या है अरे भाई मंदी के बाद अर्थव्यवस्थाएं अब काम कर रही तो वो तेजी से बढ़ रही तो जब भी अर्थव्यवस्था तेजी से पुनरुद्धार करती है स्पीडी रिवाइवल करती है बच्चे तो आपको अच्छे से पता अरे भैया अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो या फैक्ट्री में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हो जितनी आपकी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करना चाह रहे तो आपको पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी तो आप किसके पास जाएंगे बैंक के पास जाएंगे तो इसका मतलब है यानी डिमांड फॉर क्रेडिट इज राइजिंग ऋण की मांग बढ़ रही है ये याद ये याद रखिएगा, सब के ट्रेंड हैं। में पूछ सकते वर्तमान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है या सही नहीं है तो आप देख लीजिएगा क्या हो रहा क्रेडिट जो है की मांग बढ़ रही बच्चों क्या हो रहा क्रेडिट की मांग बढ़ रही है अब इसके बाद देखिएगा <laughs> क्रेडिट ग्रोथ इन बैंक टीन 17.5 परसेंट एज ऑन दिसंबर सेकंड यानी दो दिसंबर को बैंकों में ऋण वृद्धि साढ़े सत्रह परसेंट तक पहुंच गई यानी क्रेडिट डिमांड बढ़ रही तो कितनी अच्छी बात है अब आपसे मैंने कहा कि बैंकिंग सिस्टम क्यों मजबूत होना चाहिए जरा समझिएगा मैंने क्या बोला बैंक क्या है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर है तो बैंक क्यों मजबूत होने चाहिए तो बैंक इसीलिए मजबूत होने चाहिए बच्चे क्योंकि ये 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 क्रेडिट ये क्रेडिट किसको चाहिए? इन्वेस्टर को भी चाहिए और इसके साथ साथ कंज्यूमर को भी चाहिए ठीक है आप घर खरीदेंगे याद रखिएगा तो स्वाभाविक आपको बैंक से ही कर्जा लेना पड़ेगा या कुछ भी लेंगे ठीक है तो ये हो गया यहां से आप देख सकते हैं इस पॉइंट को तो ये हो गया अब इसके बाद क्या हो रहा है बस इतना ही आप पढ़िएगा अंदर जा जाएंगे ठीक है ना तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अब आता है इसी को यहां कहा गया कॉन्सेप्ट एक में एक्सिलरेटेड क्रेडिट एक्टिविज्म जैसे आप जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ते हैं ना न्यायिक सक्रियता है। क्या है न्यायिक सक्रियता है वैसे कहा गया एक्सीलरेटेड क्रेडिट एक्टिविज्म है यानी क्या है त्वरित ऋण सक्रियता है। इसका मतलब कि ऋण खूब मांगा जा रहा है अब आप देखिएगा अब आप देखिएगा इंक्रीज इन क्रेडिट डिपॉजिट मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा क्या है तो जब क्रेडिट एक्टिविज्म होगा तो जो क्रेडिट का डिपॉजिट है ठीक है ना वो भी बढ़ेगा और इसी को कहा गया इट हैज बीन अब हंड्रेड परसेंट सिंस अगस्त तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इस समय कितना हंड्रेड परसेंट से ज्यादा है ये आप याद रखेगा ठीक है ना तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना अब आता है एक यानी आरबीआई वाला पार्ट आपने पढ़ लिया कि ऋण की मांग में वृद्धि हो रही है बस इतने तक आप सीमित रहिए अब आता है इंप्रूविंग इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष में क्वार्टर वन में जीडीपी की वृद्धि थर्टीन परसेंट थी क्वार्टर टू में सिक्स थी और क्वार्टर थ्री और फोर में यानी यह अनुमान है कि क्वार्टर थ्री में 4.4 परसेंट रहेगी और क्वार्टर फोर में 4.2 परसेंट रहेगी और कंप्लीट निकालेंगे तो 6.8 परसेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट हम प्राप्त करने वाले हैं ठीक है क्या करने वाले जीडीपी हम प्राप्त करने वाले हैं राइटर यही कहते हैं कि राइटर अब आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि बजट दो हजार यानी अब जो आने वाला उसके बारे में हम अभी से बातचीत कर रहे हैं यानी जब बजट आएगा तब हम बजट के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी हम समझ डेवलप नहीं कर पाएंगे अब यहां पर आपको क्या बताया गया है कि बजट 2023-24 में क्या कहा गया बुनियादी ढांचे में व्यापार और उद्योग में उच्च निवेश हो सकता है याद रखेंगे ठीक है ना तो अब आप और अगर जी जो हमारी जिस गति से चल रही है अगर ऐसी ही चलती रही क्योंकि ये वैश्विक रूप से बहुत अच्छी गति है तो अगर ऐसी ही चलती रही तो ऑबियस है क्या क्या लाभ होगा इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे यहां इसके अलावा क्या हो जाएगा यानी हमारी इकोनॉमी एक, में विविधीकरण आएगा और इसके अलावा क्षमता उपयोग भी बढ़ेगा तो अब आप कहेंगे ये क्या मतलब भाई ठीक है ना यानी बजट 2023-24 में क्या कह रहा है कि उच्च निवेश हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड और इंडस्ट्री में ठीक है ना क्या हो सकता है ठीक है और ये तो बजट में हो सकता है लेकिन यहाँ का आदर जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ है जो भी समृद्धि की गति अभी हमें दिखाई दे रही है यानी वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वापस ला सकती है निजी निवेश हो सकता है क्योंकि जीडीपी की गति अभी अच्छी है उसके साथ साथ क्या डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है हमारी यानी एग्रीकल्चर यानी हमारा प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्सियरी सेक्टर इन सभी में हम यानी बेहतर उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा निवेश आएगा तो क्या होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कि आज अगर हमारी कंपनी है वो 75 परसेंट क्षमता से काम कर रही है तो अगर ये 100 परसेंट क्षमता से काम करने लग जाए इसी को बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो ये सारी बातें होंगी ध्यान रखिएगा अब आता है इन्फ्लेशन टेमिंग बाई आरबीआई यानी आरबीआई द्वारा मुद्रा स्पीति पर काबू पाना तो अब आप देख सकते हैं यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी है इन्वेस्टमेंट आने के चांस है यहां साफ सफ देखिए सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है तेईस चौबीस के बजट में निजी क्षेत्र भी इन्वेस्टमेंट कर सकता क्योंकि जीडीपी अच्छी है पॉइंट को समझिएगा जीडीपी अच्छी है अब यहां पर बताया गया कि आरबीआई ने भी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा क्या किया जो पीछे हमने रेपो रेट रिवर्स रेपो और एसडीएफ पढ़ा उसके कारण से इसने क्या किया है यानी मुद्र जो महंगाई थी उसको भी कंट्रोल कर लिया है वही बात यहां पर बताया गया है और इसका परिणाम क्या हुआ कि नवंबर 2022 में जो इन्फ्लेशन है कौन सा मेन जो हम लोग सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो इन्फ्लेशन है वो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कितना हो गया फाइव यानी जो हमारी अपर लिमिट है फोर आइडियल है सिक्स ज्यादा से ज्यादा और दो सबसे कम यानी देख सकते हैं छह से कम हो गई है जो हमारा मुद्रा स्फीति कृत नेटवर्क जो हमने अपनाया है ठीक है ना तो उसमें यानी ये हो गया 5.88 परसेंट तो हमारा देख सकते हैं हम इस अपर थ्रेस के नीचे आ गए हैं याद रखेगा फिर इसके बाद कह रहा जो हमारी डब्ल्यू है वह 21 महीने के निम्नतम स्तर पर आ गई 5.85 परसेंट तो इसका मतलब है यही प्रश्न मैंने वहां पर बनाया है जरा समझिएगा यानी मुद्रास्फीति भी अब नियंत्रण में आ रही है जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है तो जीडीपी ग्रोथ अच्छी दिख रही है तो इसके कारण से में सरकार भी यानी निवेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेड में इंडस्ट्री में और निजी क्षेत्र भी निवेश करेगा तो अगर दोनों निवेश करेंगे तो है जीडीपी और बढ़ेगी और आरबीआई ने मुद्रास्फीति को यानी पिछले दिनों की तुलना में नियंत्रित कर लिया है तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्थितियां अब हमारे लिए फेवरेबल हो रही हैं तो इसीलिए मैंने यहां वह 2019 का प्रश्न प्रश्न लगाया और उसके बाद वह मॉडल बनाया प्रश्न क्या है क्या आप इस मत से सहमत हैं कि जीडीपी की अस्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रा स्पीत के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए डू यू एग्री विद द ब्यू दीडी जी डी पी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन है इंडियन इकोनॉमी इन गुड सेप गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स अब बताइए मुझे क्या करिए अब यहां पर बताइए कि जीडीपी की अस्थाई समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण अब पॉइंट को जरा समझिएगा तो जीडीपी यानी ये 2019 में था तो अभी भी यही स्थिति है यानी जीडीपी में हम अच्छी समृद्धि दर्ज कर रहे हैं यहां पर देखिए डेटा बता दिया गया 2022 में वैश्विक कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी है पीछे से कंपेयर करेंगे तो अच्छी नहीं है ध्यान रखिएगा और इसके बाद हमने यानी आरबीआई ने मुद्रास्पीति पर भी नियंत्रण प्राप्त किया है और यह है एक अच्छी स्थिति का प्रतीक है और इसीलिए हमने यहां पर आपके सामने क्वेश्चन भी बनाया एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए डू यू एग्री विद द व्यू दैट बैंकिंग पॉलिसी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एस जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर तो जितने भी रीजन मैंने दिए हैं यानी बैंकिंग पॉलिसी में जो जो स्टेप उठाए गए वही आपको यहां लिख देने और बता देना हां भाई उस बैंकिंग पॉलिसी ने सपोर्ट किया है यानी जीडीपी डी पी और को मजबूत करने में और लो इन्फ्लेशन दोनों में आप देख सकते हैं तो यही मुझे आप लोगों को पढ़ाना था तो एक बड़ा हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया हालांकि हालांकि अब इसके बाद आएंगे कुछ चिंता भी है यानी सब अच्छा ही नहीं है कुछ चिंता भी है और चिंता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा कोर इंफ्लेशन है वो अभी भी सिक्स परसेंट से ऊपर बना हुआ है ये थोड़ा सा ठीक है ना तो ये थोड़ा सा जो है एक चिंता की बात है इसके अलावा यानी इसके अलावा एक और मुद्दा है एक्सटेंड एक्सटर्नल स्पिल ओवर रिस्क टू इंफ्लेशन यानी जो एक्सटेंडेड यानी जो बाहरी घटनाएं हो रही हैं उनका इफेक्ट हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा इसी को बोला गया स्पिल ओवर इफेक्ट ठीक है जैसे स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया जैसे आपके हाथ में गिलास उस गिलास में पानी है ठीक है ना एक गिलास आप यहां रख दीजिए एक यहां रख दीजिए यहां अब अगर इसमें पूरा पानी भर जाएगा तो जो और पानी हो निकल करके गिलास में आएगा फिर उसके बाद इसमें आएगा तो उसी इसी को कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट तो अब क्या है यानी जरा ध्यान रखेगा यानी बाहरी स्थितियों का भारत पर प्रभाव पड़ेगा जैसे बाहरी स्थितियां क्या होती हैं जरा देखिएगा जैसे कच्चे तेल की कीमतें जो है आठ मार्च दो को एक डॉलर प्रति बैरल से घट करके एट्टी डॉलर प्रति बैरल हो गई है कितनी हो गई एट्टी डॉलर प्रति बैरल हो गई है अब आप यहां से देख सकते हैं ओपेक प्लस देशों से कीमतों के झट यानी अब ये तो घट गया है रेट लेकिन यह कहा गया कि ओपेक प्लस देश जो है तेल उत्पादन के का सबसे बड़ा समूह ओपेक प्लस ओपेक प्लस चूंकि की कीमतें गिर रही हैं तो हो सकता है उत्पादन को कम कर दे तो कीमतें फिर से बढ़ जाए तो यह एक संकट है यानी ओपेक प्लस की नीतियां इफेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर पैदा कर सकते इसके अलावा और कौन से स्पिल इफेक्ट हो सकते हैं बाहरी मुद्दे तो आप देख सकते हैं पैंडेमिक यानी महामारी जैसा कि चाइना में व्यापक स्तर पर फैल चुकी है तो एक समस्या ये हो सकती है इसके अलावा सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला में अभी भी बाधा जैसे चाइना है लॉकडाउन लगा चुका रशिया यूक्रेन का युद्ध है तो उधर से सप्लाई चेन बाधित है फिर इसके बाद आसमान छूती महंगाई है रूस यूक्रेन का युद्ध है बताने की आवश्यकता नहीं इसके अलावा फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है जिस प्रकार से वो यानी बैंक रेट को बढ़ा रहा है ये एक बहुत बड़ा और डॉलर को मजबूत कर रहा है इसके अलावा यूरोपीय संघ में ऊर्जा का संकट है क्योंकि रशिया से ऊर्जा वो ठीक मतलब युद्ध के कारण और आर्थिक प्रतिबंध के कारण ले नहीं रहे हैं। छुप करके केवल ले रहे हैं इसके अलावा चीनी सरकार की शून्य कोविड नीति तो ये सब स्पिल ओवर इफेक्ट है ये सब बहुत बढ़िया से पढ़िएगा ये सारी पंक्तियां आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगी तब आपको मजा आएगा यार हमने तो पहले ही सब पढ़ा हुआ ये चीज है ध्यान रखेगा तो हमने क्या पढ़ा यानी संभावनाएं भी पढ़ लिया चुनौतियां भी पढ़ रहे याद रखेगा अब आते हैं संभावनाएं ठीक है अब यह कहा गया कि शक्ति का जारी दौर 2023 में लंबे समय तक नहीं चल सकता यानी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ज्यादा कठोरता आई है टाइटनेस आई है वो 23 में लंबे समय तक नहीं चलेगी यानी 2023 में हम मॉनेटरी पॉलिसी को उदार होता हुआ देखेंगे ठीक है तो यह यहां पर पॉइंट कहा गया है याद रखेगा ठीक है तो यह कहा गया कि दो में सरकार और आरबीआई दोनों जीडीपी को बढ़ाने पर फोकस हो सकती है बस अगर मुद्रा स्फीति नीचे रहे तो तो आप देखिए कितना बढ़िया वो प्रश्न क्या पूछा था कि क्या निम्न मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति आप कहेंगे यस निम्न मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति है क्योंकि देखिए ये सब एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि अगर निम्न मुद्रा स्फीति रहेगी तो फिर क्या होगा यानी सरकार भी मार्केट में पैसा डालेगी और आरबीआई बैंकिंग रेट को इजी कर देगी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो आप देख सकते हैं ठीक है ना और इसके अलावा 2023 में हमारे सामने क्या संभावनाएं बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे अभी से हम पढ़ रहे हैं 2023 में हमारे सामने क्या संभावना है तो मैंने दो पॉइंट आपको बता दिया एक पॉइंट और लिखा यहां पर है आरबीआई ने सर्वे किया है आरबीआई सर्वे करता है आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा हाउस होल्ड सर्वे करता है बिजनेस सर्वे करता है प्रोफेशनल जो है सर्वे करता है तो ये जो आरबीआई ने इन तीनों पर सर्वे किया है इस सर्वे से पता लगता है यानी समृद्धि के प्रति ये सभी सकारात्मक हैं यानी जो हाउस होल्ड होता है यानी हम सब लोग हैं जो जो कंज्यूमर होते हैं इकोनॉमी एक, में जो कंजम्पशन करते हैं डिमांड बढ़ाते हैं यानी वो भी पॉजिटिव है बिजनेस यानी जो भी कारपोरेट फर्म्स होते हैं वो भी पॉजिटिव हैं 2023 को लेकर के जो प्रोफेशनल्स हैं विद्वान विश्लेषक वो सब भी यानी पॉजिटिव हैं तो ये है यानी 2023 में ये संभावनाएं हैं पहला यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उधार होने वाली है ठीक है यानी आरबीआई और सरकार क्या करेंगे अर्थव्यवस्था में जो है लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेंगे इसके साथ साथ यानी क्या है यानी जो हाउस होल्ड है बिजनेसेस हैं प्रोफेशनल्स हैं वो भी काफी उधार हैं इस विषय पर कि तेईस में मजा आएगा तो बे फॉरवर्ड मेरे प्यारे बच्चों एडिटोरियल राइटर ने कहा अभी कुछ और करने की जरूरत है यानी कुछ और नया किया जाए तो अब देखिए यहां पर कितना अच्छा पॉइंट जैसे हमने पंचामृत की घोषणा की और हमने कहा कि 2070 तक हम नेट न्यूट्रल कार्बन में नेट न्यूट्रल हो जाएंगे यानी हम कार्बन को उत्सर्जन में न्यूट्रल न्यू क्या हो जाएंगे तटस्थ हो जाएंगे यानी हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे अब आप देख सकते हैं तो यहां यह कहा गया है कि बैंकों को हरित परियोजनाओं को फाइनेंस करना चाहिए जिससे कि क्लाइमेट रिस्क को कम किया जा सके हरित परियोजनाएं ग्रीन प्रोजेक्ट यानी मान लीजिए आप हैं और आप ग्रीन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं जैसे आप हाइड्रोजन फ्यूल पर हाइड्रोजन ईंधन पर काम करना चाहते हैं तो बैंक आपको ऋण दे ये बात यहां पर कही गई है, है याद रखेगा ठीक है और उन्होंने कहा कि जो भी बैंक वित्त दे उसका यह ध्यान होना चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो और कॉप ट्वेंटी में हमने जो प्रतिबद्धता दर्ज की है उसको भी प्राप्त किया जा सके और संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट यानी टारगेट नंबर थर्टीन को भी अचीव किया जा सके तो ये बड़ी अच्छी चीज हमको मिली यानी आज मुझे बताइए इस लेक्चर के पहले क्या आपके मन में कभी ये पॉइंट आया कि बैंकिंग सेक्टर की कार्बन न्यूट्रलिटी में क्या भूमिका होने वाली है भारत के बैंकिंग सेक्टर की आप देख सकते हैं यहां क्लियर आ रहा है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करे क्यों करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर को अचीव करने के लिए ट्वेंटी थर्टी तक पंचामृत के टारगेट को अचीव करने के लिए आप देख सकते हैं क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यानी बैंकिंग सेक्टर को यह सब भी करना चाहिए और अगर इंडिपेंडेंट बैंकिंग सेक्टर पर कोई प्रश्न आ रहा तो ये सारे पॉइंट तो आपको सजेशन के रूप में मजा देंगे याद रखेगा तो ये सारी बातें आपको ध्यान अब आता है कि एडिटोरियल राइटर कहते हैं और भी कई कदम उठाए गए हैं बैंकों को मजबूत करने के लिए तो कौन से कदम है अब इसको पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी अब देखिएगा यह क्या है यह एक इंस्टीट्यूशन है जिसे अभी यानी हमारे सामने लाया गया है जिसका नाम है बुनियादी ढांचे और विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक है लीजिएगा बुनियादी ढांचे और विकास को पैसा देगा फंडिंग देगा ये राष्ट्रीय बैंक है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना तो एडिटोरियल राइटर ने कहा ये जो एन ए बी एफ आई डी है ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स को भी पैसा दे इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण होता है याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर लंडिंग होती है यानी सड़क ऊर्जा परिवहन इन सब के लिए जो ऋण दिया जाता है बैंकों के द्वारा उसमें भी एन ए बी एफ आई डी मदद करें यानी एन ए बी एफ आई डी बैंकिंग सेक्टर के सहयोगी के रूप में बेहतर काम करे वो ऐसा कहना चाह रहे हैं अब आप जब तक एन ए बी एफ आई डी के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा नहीं अब प्रीलिम्स के लिए देखिए एन ए बी एफ आई डी क्या है What इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग Infrastructure एंड डेवलपमेंट अभी तक इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया नहीं है तो ये कभी भी आपसे में में के रूप में पूछा जा सकता तो क्या है बजट दो हजार इक्कीस में इसको अनाउंस किया गया था पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यह क्या करेगा यानी यह भारत में जो इट इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी यह क्या है विकास वित्तीय संस्थान है। क्या है यानी ऐसा वित्तीय संस्थान है जो विकास को फंड देगा सिंपल सी बात है पार फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया पीटी के लिए याद रखेगा नहीं तो कुछ और लिख देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी आधारभूत संरचना से संबंधित क्षेत्र को ये क्या करेगा डेवलपमेंट फंड देगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा अब इसके बाद इसका और क्या उपयोग और किस साल के बजट में इक्कीस के बजट में इसको आप याद रखेगा इसके अलावा ये किसके प्रति जवाब दे है ये पार्लियामेंट के प्रति जवाब दे है पता चला अगर पढ़े ना होते पीटी में आता तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो ये पार्लियामेंट के प्रति एंसोरेबल है जवाब दे है एंड अपना ऑडिट अकाउंट प्रत्येक वर्ष ये संसद को सबमिट करेगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है अब इसके बाद आता इट इज आउटसाइड ठीक है इट इज आउटसाइड द पर भी आप सीबीआई सीबीआई इसका कोई निरीक्षण नहीं कर सकती सीबीसी कोई नहीं करती कैग भी नहीं कर सकती है याद रखेगा ठीक है सीबीआई सीबीसी और सीएजी के दायरे से बाहर है इसको आप याद रख लीजिएगा क्यों क्योंकि भाई इसमें कोई रुकावट ना हो यह तेजी से निर्णय ले सके अब आप बताओ एन ए बी एफ आई डी के बारे में सारी बातें पता हो गई कि नहीं पता होगी अब पीटी में पूछेगा एन ए बी एफ आई डी के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो सारे स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लगा दिए हैं याद रखिएगा इसका एम क्या है कि भाई जो फंड स्टार्ड इंडिया है इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र यानी आधारभूत संरचना सड़क ऊर्जा परिवहन रेलवे विमान पत्तन लॉजिस्टिक्स इन सब में फंड की भुखमरी है जैसे हम क्या है भुखमरी इंडेक्स पढ़ते ना तो ऐसे ही भुखमरी है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट को उत्प्रेरित करने के लिए कर्टलाइज करने के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए याद रखिएगा ठीक है बच्चे तो हो गया आप देख सकते अब इसके बाद इस हम एन -ए -बी आई -डी को क्या कहेंगे बैंक तो है लेकिन ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये एक कॉर्पोरेट बॉडी भी है या क्या है एक कॉर्पोरेट निकाय भी है ठीक है ना और जिसकी कुल अधिकृत शेयर पूंजी अथोराइज शेयर कैपिटल है वह लाख करोड़ रुपए तो ये भी वन लाख अब पता चला प्रीलिम्स में एक लाख के बाद एक जीरो और लगा देगा दस लाख और आप सतर्क होंगे नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है ना तो ये हमेशा याद रखेगा क्यों क्योंकि एक प्रश्न आया था निवेश फंड के ऊपर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर आया था तो उसमें चालीस हजार करोड़ की जगह एक जीरो और बढ़ा दिया था तो आप ऐसे भी यूपीएससी खेल खेलता है याद रखेगा ठीक है ना ठीक है अब इसके बाद आता है जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है एन ए बी एफ आई डी एक्ट दो हजार इक्कीस को आया था अट्ठाईस मार्च दो हजार इक्कीस को राष्ट्रपति की सहमत प्राप्त हुई एक जनवरी दो हजार इक्कीस से यह लागू हो गया है याद रखेगा ठीक है ना ठीक है अच्छा सहमति मिली है मार्च अट्ठाइस दो हजार इक्कीस को और लागू हो गया है अप्रैल उन्नीस दो हजार इक्कीस यानी इक्कीस से लागू अब आता है ये काम क्या क्या करता है एन ए बी एफ आई डी हो सकता है इस पर इंडिपेंडेंट मीन का क्वेश्चन भी आ जाए तो एन ए बी एफ आई डी के कार्य क्या है स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया उसका एम क्या है वो आपने पढ़ लिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं क्या क्या काम करता है तो ऑबियस है अब ये क्या क्या काम करता है प्रीलिम्स के ये सारे फैक्ट है तो ऑबियस है जितनी भी अवसंरचना परियोजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उनको लोन प्रदान करता है याद रखेगा इसके अलावा रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग लोन करता है मौजूदा ऋण को पुनर्वित करता है सौ मतलब मतलब रुपए की जरूरत थी लेकिन बैंक से आपको अस्सी रुपए ही लोन मिले प्रोजेक्ट तो आपका सौ रुपए का है बीस तो रुपए कम है तो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा तो ये जो बीस रुपया अधूरा है उसको ये रीफाइनेंस करेगा ध्यान रखेगा ठीक है ना है? इसके अलावा ये और क्या काम करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ये निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करेगा यानी केवल खुद फंड नहीं देगा इन जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यानी क्या करेगा कैटलाइज करेगा भैया आप आइए और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करिए मेरे प्यारे बच्चों विदेशी पार्टनर्स भी ढूंढेगा ठीक है यह भी करेगा और अगर कोई विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए यह क्या करेगा ठीक है ना क्या करेगा सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की सुविधा भी ये प्रदान करेगा तो ये सारी बातें हैं तो एक रिफॉर्म ये हो गया बैंकिंग सेक्टर में तो इसको भी आप याद रखेगा दूसरा रिफॉर्म कौन सा हो गया बैंकिंग सेक्टर में दूसरा है यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एन ए आर सी एल यानी जो बैड लोन के लिए है बैंकों के बैड लोन का मैनेजमेंट करेगी ठीक है यह क्या करेगी जो बैड लोन है उनके बोझ को जो बैंकों के पास है बैड लोन उसको कम करेगी याद रखेगा अब जब बैंकों के जो बैड लोन है उनको ये समझिए खरीद लेगी तो बैंक का जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाएगी अरे भाई जैसे बैड लोन होगा तो बैंक ऋण नहीं दे पाएगा ना क्योंकि बैलेंस शीट खराब रहेगी तो आपको ना लोन मिलेगा ना बैंक बेचारा दे पाएगा सिंपल सी बात है तो यहां वही है तो जब उनकी बैलेंस शीट को यानी ये क्या करेगा एनएआरसीएल एनपीए से जो ग्रस्त बैंक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जो ग्रस्त बैंक है वो क्या करेगा एल तो वो ये करेगा कि उनका एनपीए समझ लीजिए ले लेगा ले बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी वही लिखा हुआ है तो बैंक नए ऋण देने के लिए सक्षम हो जाएंगे यानी बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चली जाए मतलब चलेगी अब यही है एनएआरसीएल के बारे में कि ये कब आया है मेरे प्यारे बच्चों तो ये तनावग्रस्त ऋण संप, संपत्ति प्राप्त करने के लिए नेशनल एआरसी लिमिटेड एनएआरसीएल का गठन किया गया है सितंबर 2021 में मेरे प्यारे बच्चों और 30,600 करोड़ रुपए के साथ इसका शुभारंभ किया गया है इसकी स्थापना की गई है ठीक है ना आरबीआई ने इसे लाइसेंस दिया है और ये क्या करेगा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग दो लाख करोड़ रुपए की एनपीए को अधिग्रहित कर लेगा याद रखिए क्या करेगा एनपीए को अधिग्रहित कर लेगा ठीक है ना तो ये आप यहां से ध्यान रख सकते हैं एनएआरसीएल मैंने पहले भी इसके बारे में विस्तार से बताया और इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा चूंकि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसमें उनकी एनएआरसीएल में फिफ्टी परसेंट की हिस्सेदारी रहेगी तीसरा उप सुधार किया गया डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली गई हैं यानी छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं जो डिजिटल बैंकिंग करेंगे तो ऑब्वियस है डिजिटल बैंकिंग करेंगे मैक्सिमम लोगों तक बैंक पहुंचेगा तो समावेशन भी होगा और समृद्धि भी होगी चूंकि मैक्सिमम लोग बैंक से ऋण ले सकेंगे लेन देन कर सकेंगे याद रखेगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट 2022-23 के यूनियन बजट में पचहत्तर डिजिटल बैंकों खोलने की बात की गई थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी राष्ट्र को समर्पित किया और इसको उन्होंने समावेशी जो है वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख टूल माना अब आता है प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हु बिल सेटअप दीज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट कौन बना सकता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो आप यहां से देख सकते हैं तो साफ कहा गया कमर्शियल बैंक याद रखें कमर्शियल बैंक जिनके पास पास्ट डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस यानी ऐसे कमर्शियल बैंक जो पिछले वर्षों से क्या कर रहे हैं यानी डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं ठीक है ना उनको इस बात की अनुमति है कि वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल सकते हैं कहां पर खोल सकते हैं टायर वन और सिक्स यानी टायर वन टू या हम कहें टीयर वन टू टीयर सिक्स के शहरों तक ये अपनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल सकते हैं टीयर वन टू टीयर सिक्स सेंटर्स तक ये खोल सकते हैं अब आता है कौन नहीं खोल सकता है? तो लिखा हुआ रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोल सकते हैं पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक नहीं खोल सकते हैं लोकल एरिया बैंक ये भी नहीं खोल सकते हैं याद रखिएगा स्थानीय क्षेत्र के बैंक भी इसे नहीं खोल सकते हैं याद रखेगा, ठीक है ना और यहां पर यह भी कहा गया है कि जब तक किसी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा मना ना किया गया हो रेस्ट्रिक्ट ना किया गया हो तब तक यानी आरबीआई की अनुमति के बिना ही ये कमर्शियल बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं यानी जैसे एसबीआई बैंक है वो आपके शहर में आ जाए और अपनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट चालू कर दे तो क्या हो जाएगा आपके कस्बे के पास आपके गांव के पास एस की डिजिटल बैंकिंग यूनिट काम करेगी तो बहुत से लोग तो आएंगे ना खाता खुलवाने पैसा जमा करने पैसा निकालने जिनका एस में अकाउंट है इस प्रकार की चीजें तो आप देख सकते हैं यह भी किया गया इसके अलावा सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी को भी आरबीआई ने अब क्या कर दिया है यानी सामने ला दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अब ये क्या करेगी यानी डिजिटल रूप से डिमांड और सप्लाई को आगे बढ़ाएगी तो आप देख सकते हैं ये सारे रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में किए गए हैं और अगर हम बेहतर ढंग से इसी प्रकार से काम करते रहे तो यह बैंकिंग सेक्टर 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक व्यापक आधार दे पाने में सक्षम होगा इसी के साथ टॉपिक समाप्त होता और आपसे क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कि यानी बैंकिंग सेक्टर जीडीपी को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको कहीं ना कहीं यूज करने हैं बाकी प्रीलिम्स के लिए भी मैंने करा ही दिया अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया इकोनॉमी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री होप चैलेंजेस एंड अ लॉट ऑफ अनसर्टेंटी दो हजार तेईस में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदें चुनौतियां और ढेर सारी अनिश्चितताएं ये भी अच्छा टॉपिक है यानी इंडियन इकोनॉमी दो हजार तेईस में किस करवट बैठेगी ये तो सब महत्वपूर्ण होता है यानी आप 2023 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 24 वाले ऑब्वियस है तेईस को ही देख करके अपनी 24 की रणनीति बनाएंगे 25 वाले 23 और 24 को देख करके अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप लोगों को इस प्रकार के कॉन्सेप्ट यानी हमें क्या फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए जो किताबें हैं आपके पास चाहे वो एनसीआर हो बच्चा चाहे आपका किसी की भी बुक हो जितना अपडेट ये एडिटोरियल्स होते हैं उतना तो ना आपकी किताबें होती है ना बुक और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि किताबें साल में दो साल में एक बार निकाली जाती अब दो साल का कंटेंट एक बार आ गया फिर एक दो साल गैप होता है और उसी के बीच में आपको एग्जाम देना है तो इसीलिए कहा जाता है कि चाहे कोई भी बुक पढ़ेंगे डेटा आपको सारे पुराने मिलते हैं पुराने डेटा के आधार पर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर एनालाइज करते हैं तो वह वीक लगता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाए देखें तो बेरोजगारी का चैप्टर है और इकोनॉमिक्स के एन में अब वो सारे डेटा ओल्ड डेटा उस डेटा के आधार पर क्या आप जॉबलेस ग्रोथ पर अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि और आपको मेंस लिखना है 2023 में तो क्या वो एनसीईआरटी का कंटेंट या एक्स वाई जेड जो भी इकोनॉमिक्स का कंटेंट है कोई भी बुक है क्या वो वहां पर यानी आपके काम आएगी तो ये सारी बातें हम लोगों को सीखनी है तब जाकर के हम अपना रिजल्ट बदल पाएंगे ध्यान रखें अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदें चुनौतियां और ढेर सारी अनिश्चितताएं ठीक है तो ऑबियस है भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसथ्री इकोनॉमिक्स से है सीधा सीधा जुड़ा हुआ 2015 में देखिए एक निबंध आया था क्राइसिस फेसड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक भारत के समस्त संकट नैतिक है आर्थिक तो हम आज आर्थिक संकट पर बात करने जा रहे हैं कि हमारे सामने क्या क्या वर्तमान में आर्थिक संकट पूरी लिस्ट देखने जा रहे हैं पूरी लिस्ट ठीक है और उसी के साथ मैंने एक मॉडल क्वेश्चन भी बना दिया है क्या है ऐसे का ही ये निबंध का ही मॉडल क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स भारतीय आर्थिक प्रणाली चुनौतियां और संभावनाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां और संभावनाएं पढ़ने जा रहे हैं इसके साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ भारत की इकोनॉमी को कंपेयर भी करने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं जो आपको दिखाएंगी और आपको इस बात के लिए अच्छा फील कराएंगे कि हिंदुस्तान एक्चुअल में अच्छी स्थिति में है और इसका सबसे बड़ा रीजन है आप अगर पोखरण परमाणु परीक्षण को देखें उन्नीस सौ बाद अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका ने लगाया तो ऑबियस है पश्चिमी यूरोप के देशों ने भी लगा दिया जैसे अभी रशिया के ऊपर अमेरिका ने लगाया तो सबने लगा दिया लेकिन उस समय भी भारत को फर्क नहीं पड़ा जबकि उस समय भारत आज का भारत नहीं था यानी जीडीपी में हम अच्छा करने लग गए थे लेकिन जहां आज खड़े हैं, हो ऑबियसली वहां नहीं थे और उसके बाद भी भारत को फर्क नहीं पड़ा हुआ तो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का एक तरफ हमारी जनसंख्या हमारे लिए चुनौती है लेकिन दूसरी तरफ वही जनसंख्या हमारे लिए संभावना है कैसे अरे भाई वो जनसंख्या कंज्यूमर भी है हाउस होल्ड सेक्टर में भी आती है उसके साथ साथ वही जनसंख्या किस में आती है लैंड लेबर और कैपिटल और आंतर जनसंख्या आंतर प्रोर भी है यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वही जनसंख्या क्या है लेबर भी है वो भी सस्ता लेबर तो हिंदुस्तान में हमारे पास यानी एक बहुत बड़ी है कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती हम 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 ही बेच रहे हैं, हम आपस में खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी स्थिति है आबादी आबादी ज्यादा जिस देश की अच्छी हो और उसके साथ साथ उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर अच्छा चल रहा हो तो उस देश को फिर किसी भी प्रकार का यानी ऑब्वियस ग्लोबल इकोनॉमी में सबके साथ कनेक्ट होकर के ही हम जीडीपी को बड़ा कर सकते हैं इकोनॉमी को हम

आपको शब्द मिलते हैं आपको सेंटेंसेस मिलते हैं जिसको आप अपनी कॉपी में फॉर्मेट करते हैं। जैसे देखिए कितना बड़ा लिखा कि 2022 में पहला पॉइंट लिखा दो हजार बाईस में इस बात की उम्मीद थी संपूर्ण विश्व में कि जीडीपी सभी देश की बढ़ेगी क्यों क्योंकि महामारी लगभग लगभग यानी समाप्त हो चुकी थी लगभग लगभग की बात में कर लेकिन रिजल्ट क्या हुआ 2022 में यानी कोविड तो अटैक नहीं किया लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध यानी इसने क्या किया वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को पनपने ही नहीं दिया यानी जो उम्मीद थी उस उम्मीद को धाराशाही कर दी तो पहली चीज ये अब कहा गया कि अभी 2022 समाप्त होने जा रहा क्या है 2022 अभी समाप्त होने जा रहा है अभी स्थिति क्या युद्ध जारी है और आज भी यानी खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं ठीक है ना जिसके कारण से मुद्रास्फीति के खिलाफ जो लड़ाई है अभी भी उसमें चिंता है इसके साथ साथ जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन उसके यहां महामारी व्यापक स्तर पर फैली हुई है और उसकी जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत कम है तो ये सारे सिस्टम यानी अंत की स्थिति है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तो ऐसे में देखिए कितना बढ़िया है कितना बढ़िया है प्रश्न को आप देखिए मतलब कंटेंट और प्रश्न का मेल देखिए इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट तो इसको हमने जब स्टार्ट किया तो भारतीय आर्थिक प्रणाली पहले हमने क्या किया यानी वैश्विक सिस्टम को आपको यहां पर दिखा दिया क्या किया यानी हमने पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें कर ली और तब उसके बाद आए भारत की चुनौतियां और भारत की संभावनाएं समझ रहे ना ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में किसी भी चीज को टैकल करना है क्या करना है किसी भी चीज को टैकल करना चैलेंजेस यानी चुनौतियां आपके सामने देख सकते हैं तो रट लीजिएगा जैसे प्रश्न पूछा था ना चैलेंजेस क्या है भारत के समुख संकट नैतिक आर्थिक 2015 में आया तो क्या 2023 में क्वेश्चन नहीं आ सकता 2024 में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज के साथ यानी ऑब्वियस यूपीएससी रिपीट करता थोड़ी सी भाषा चेंज कर देता एक अगर नहीं भी आता तो थिंकिंग वाले टॉपिक में हम लगाएंगे बात खत्म हो गया ठीक है अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो यह हो गया राइटर जो बातें करे वो सारी बातें हाँ पर अब आता है चैलेंजेस तो चैलेंजेस हमारे सामने क्या है मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा तो वैश्विक खाद्य वैश्विक ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतें पिछले कुछ महीनों में मामूली रूप से कम हो सकती हैं लेकिन स्फीति उच्च और व्यापक आधार पर बनी हुई यानी स्फीति है कुछ नियंत्रण आया है लेकिन अभी भी मुद्रास्पीति व्यापक स्तर पर है याद रखें पहला पॉइंट यह कहा गया इसके अलावा फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है वह मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है यानी बैंक रेट को बढ़ा रहा है वो भी एक चुनौती है क्योंकि जब वो बढ़ाएगा तो ऑबियस उसका डॉलर मजबूत हो रहा है जो हमें पर परेशान करेगा ठीक है ना इसके साथ साथ हमें भी बढ़ाना पड़ता है ये एक समस्या है जिसके कारण से मार्केट से लिक्विडिटी कम हो रही है चीन एक नए कोविड प्रकोप का सामना करना पड़ कर रहा है उम्मीद है कि 2022 में वैश्विक विकास औस्तन लगभग 3% परसेंट वैश्विक विकास या इसकी जगह वर्ड लिख लें वैश्विक समृद्धि यानी 3% परसेंट हो सकती या एक सराहनीय उपलब्धि प्रतीत होती है कारण यानी अगर 3% परसेंट भी अगर 2022 में वर्ड की जीडीपी बढ़े ग्लोबल ग्रोथ हो तो अच्छी बात है क्यों भाई 2022 में 50 वर्षों में सबसे अधिक वैश्विक मुद्रा मुद्रास्पीति देखी गई यानी थ्री परसेंट कितनी अच्छी बात है ये सब कॉन्सेप्ट क्यों समझना चाहिए यानी जैसे हम जब पढ़ते हैं कि यार विश्व में मंदी है मंदी है मंदी है तो मंदी के कारण क्या है यार ये भी तो हमें पता होना चाहिए आप यहां से देखिए मंदी के क्या कारण है कह रहा है कि पिछले यानी अगर विश्व की जीडीपी 3% भी बढ़ती है तो भी अच्छी ग्रोथ कही जाएगी क्यों क्योंकि पिछले 50 वर्षों से में अगर हम कंपेयर करें तो जितना इन्फ्लेशन अभी 2022 में विश्व ने देखा इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं था मेरे प्यारे बच्चों और आपको अच्छे से पता अगर इन्फ्लेशन कम है तो वो जीडीपी को इंपैक्ट करता है लोगों की परचेजिंग पावर को इंपैक्ट करता है वो पावर्टी बढ़ाता है वो इनइक्वालिटी बढ़ाता है तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं ठीक है तो ये ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको और इसके बाद पिछले 40 वर्षों में यानी 2022 के पहले के 40 वर्षों को कंपेयर किया जाए तो 2022 में सबसे ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया गया यानी इसके पहले इतना मौद्रिक नीति को सख्त कभी नहीं किया गया कि लगभग पूरा वर्ष ही हम यानी चाहे अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो चाहे भारत का सेंट्रल बैंक हो हम बैंक रेट को बढ़ाते रहे यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है याद रखेगा इसके अलावा कितना बढ़िया टॉपिक है तो इतना बढ़िया कंटेंट मैं मतलब गदगद गद हो जाता हूं अब कह रहा पिछले 20 वर्षों में पिछले 20 वर्षों में अमेरिकी डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत हुआ आप देख सकते हैं अब डॉलर मजबूत होगा तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किस पर असर पड़ेगा कमेंट करिए फिर इसके बाद आता है पैंतालीस से अधिक वर्षों में सबसे कमजोर चीन की जीडीपी होने जा रही है अब आप देख लीजिए यानी यह सब ऐतिहासिक घटनाक्रम है चीन की जीडीपी पिछले 45 वर्षों में सबसे कम होने जा रही ये रीजन है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट ग्लोबल कम है और वह थ्री परसेंट भी रहती है तो बहुत अच्छी मानी जाएगी देखिए कितने अच्छे पॉइंट आपके सा, आपके सामने आ गए कोई भी प्रश्न अगर आप इकोनॉमी का डील कर रहे हो और विश्व की जो वर्तमान जीडीपी है अक्सर हम पढ़ लेते ना एक्चुअल विश्व की जीडीपी इस बार इतनी कम रहेगी कम रहेगी आज के बाद से आप रीजन भी समझ गए कि भाई रीजन ऐतिहासिक है इसलिए कम रहेंगे याद रखिएगा ठीक है ना अब इसके बाद क्या कहा गया आईएमएफ ने कि क्या कहा था ग्लोबल ग्रोथ जो है 2021 में उसने क्या कहा था 2021 में 3.2 परसेंट दो सॉरी 2021 में 6 परसेंट उसने कहा 22 में 3.2 पॉइंट परसेंट और 23 में कह दिया 2.7 परसेंट रहेगा 2001 के बाद से सबसे बीकेस्ट जीडीपी ग्रोथ प्रोफाइल है तो उसका रीजन क्या है? यानी अब आपको पता लग गया ठीक है अब इस, इसके बाद आता है अब इसके बाद आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या क्या मुद्दे हैं ऑबियस यूक्रेन का युद्ध बताने की आवश्यकता नहीं ठीक है ना इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में ऊर्जा का संकट है अब अगर यूरोपियन संघ में ऊर्जा के संकट के कारण मंदी होगी तो है किसी भी देश में जब मंदी का असर होता है तो वो इंपोर्ट वगैरह कम कर देता है और भारत यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो भारत का एक्सपोर्ट जा पाएगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ना कि भारत के इंपोर्ट में वृद्धि हुई है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हुआ क्यों क्योंकि विभिन्न देशों में मंदी है इस कारण से वो वस्तुओं की डिमांड नहीं कर रहे हैं और उसका उदाहरण आपने अभी अभी देख लिया यूरोपियन यूनियन ऐसे देश तो आप देख सकते तो ऐसे में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे सही होगा ठीक है अमेरिका में इन्फ्लेशन है ठीक है अब आप देख सकते हैं चीन की जीडीपी वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस साल टू पॉइंट सेवन रहेगी और चीन में लगातार मंदी की स्थिति है तो ऐसे में यह बता रहा है कि 2023 में जो जीडीपी है दुनिया की वो कमजोर रहेगी याद रखेगा ठीक है ना तब तो आप देख सकते हैं अब आता है हिंदुस्तान के बारे में कि बहुत सारी अनिश्चितता हिंदुस्तान में यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो रहा है लड़खड़ा रहा है इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के द्वारा जो भी यानी हमने मापा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर में जबकि बहुत से त्योहार थे उसमें ट्वेंटी महीने के निचले स्तर पर आ गया था यानी औद्योगिक सेक्टर हमारा बेहतर नहीं कर पा रहा अक्टूबर में कोर सेक्टर की वृद्धि महज जीरो पॉइंट वन परसेंट थी अब आप देख सकते हैं जो बीस महीनों में सबसे कम है तो ये सारी चीजें हैं इसके अलावा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक अच्छा वर्ड है यानी जैसे आपकी कंपनी है तो वो कंपनी आपने बनाई है सौ में सौ उत्पादन करने के लिए लेकिन वो अगर सेवेंटी फाइव करे सिक्सटी करे उसकी बात हो रही तो कैपेसिटी उपयोग मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है यानी उसमें मामूली वृद्धि है 75 परसेंट के आसपास लेकिन अभी भी 100 परसेंट नहीं यानी आपकी कैपेसिटी है 100 आप उत्पादन कर रहे हैं पचहत्तर तो 25 अगर कम है तो जब आपके यहां कंप्लीट कैपेसिटी से उत्पादन ही नहीं हो पा रहा तो कोई इन्वेस्टर आएगा आपके यहाँ उत्पादन करने बिल्कुल नहीं करेगा इन्वेस्टर तब आप में इन्वेस्ट करता है जब आपकी हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी से आप अपनी यूटिलिटी का उपयोग करते हैं याद रखिएगा ठीक है ना तो ये सारी बातें निजी निवेश नहीं आएगा यानी जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी संपूर्ण मात्रा में नहीं होगी तब तक निजी निवेश नहीं आएगा ये सारी संकट है इसके अलावा जो भारत का लघु और मध्यम उद्यम है एमएसएमई है वहां भी संकट जारी है और बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के मुकाबले अच्छा कर रही बड़ी कंपनियां क्यों अच्छा कर रही क्योंकि उनके पास पहले से कैपिटल बेस था इसलिए मंदी का इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा लेकिन उन्होंने मंदी के अकॉर्डिंग अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया ठीक है तो आप यहां से देख सकते हैं ये सारी बातें ठीक है ना अब इसके बाद कहा गया इसका एमएसएमई एमएसएमई का कि में संकट कैसे है तो ये कहा गया है देखिए एविडेंस दिया कितना अच्छा पॉइंट है एमएसएमई में संकट है तो उसका उदाहरण दिया गया कि संकट कैसे है तो कह रहा है कि वन इन एवरी सिक्स लोन यानी छे लोन यानी अगर मान लीजिए ढेर सारी है तो MSME ने जो लोन लिया उनमें से एक क्या हो गया है मेरे प्यारे बच्चों जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कोविड के टाइम पर जो लोन दिया गया है छह में से एक लोन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गए हैं वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गए यानी जो कोविड के टाइम पर राहत पैकेज के रूप में शुरू किया गया था आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इसके तहत जो भी ऋण वितरित किया गया है तो छ में से एक ऋण केवल अभी 27 महीने ही हुए इसको चालू किए गए बैड लोन में परिवर्तित हो गया है ये समस्याएं है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट की पॉइंट कहां से मिलेगा ये सारे पॉइंट आप चिपका दीजिए वहां पर फिर अब आप देखते हैं अब यहां पर एक और अच्छा पॉइंट है जबकि यानी इसी के साथ इंटरलिंक किया गया एमएसएमई कि में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और एमएसएमई अगर संकट में है तो रोजगार भी संकट में है, और रोजगार संकट है तो रोजगार क्या करता है यानी जो भी श्रमिक है वो हाउस होल्ड सेक्टर में है वो कंज्यूमर है तो जब वो संकट में रहेगा मार्केट में वो डिमांड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन साइड कैसे उत्पादन करेगा और जो यहां पढ़े हैं क्या सभी अपनी कैपेसिटी 100 परसेंट यूटिलाईज कर पाएंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और अगर अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी, अपनी यानी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएंगे उसी को बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो क्या निजी निवेश आएगा वो कहेगा कि यार ये कंपनियां फुल कैपेसिटी अरे भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो पहले चेक करता है ना एक एक चीज वो चेक करता है कि मतलब सारे पॉइंट चेक करेगा इज डूइंग बिजनेस एंड सोमान सोमान लेकिन वो फर्मों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देखेगा तो कहेगा नहीं यार अभी जब ये फर्में फुल स्पीड से काम नहीं कर रही इसका मतलब डिमांड नहीं है तो जब डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट करने वाला नहीं है वही बात यहां पर बताई गई है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है इसके बाद स्टेट इस के ऊपर कहा गया कि जो स्टेट है यानी अब आता है स्टेट यानी जो भारत के राज्य हैं तो इन इनको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए लेकिन ऑब्वियस है ये राजकोषीय घाटे में है और इनका राजकोषीय घाटा अगर एक लिमिट से ऊपर हो जाए तो इनको नुकसान होता है किसका जो फाइनेंस कमीशन इनको यानी अनुशंसा करता है रिकमेंड करता है तो उसमें वह यह भी देखता है कि राज्यों का फिजिकल यानी राजकोषीय प्रदर्शन कैसा है। तो वो बेचारे यानी वित्त आयोग से जो रिकमेंडेशन की जाती है उनको डिविजिबल पूल में से किसकी धन की तो वो डरे रहते हैं कि अगर हमारे यहाँ फिजिकल साइज बड़ा हो गया राजकोषीय घाटा बड़ा हो गया तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा तो वो खर्च नहीं कर रहे हैं और वैसे भी उनके पास थोड़ा सा लिक्विडिटी का क्रंच है बिकॉज ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन और कई अन्य मुद्दे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर राज्यों की तरफ से कमजोर है अब आप सोचिए भारत के राज्यों की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर कमजोर है तो फिर ये भी तो एक संकट है ना तो ये आप देख सकते हैं इसके अलावा और क्या समस्या है तो अब आप देखिए सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी यानी हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात पर निर्भर करते हैं यानी हमारी जो जीडीपी है उसका फोर परसेंट तो हमें केवल एनर्जी इंपोर्ट करने में खर्चा करना पड़ रहा है तो ये सारे संकट हैं याद रखिएगा और जब हम इतनी ऊर्जा बाहर से मंगाते हैं इसीलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब रहता है तो ये बच्चे देख सर, जरा प्रश्न को एक बार पढ़िए एक बार प्रश्न को पढ़िए भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक तो इसमें दोनों ही पॉइंट लिखने होते हैं तो भारत के समक्ष संकट आर्थिक क्या सारे पॉइंट आ गए कि नहीं आ गए एक बार फटाफट -फट बताएं क्या सारे पॉइंट बच्चों आ गए कि नहीं आ गए फटाफट बताइए क्या सारे पॉइंट आ गए कि नहीं आए तो भारत के समक्ष संकट यानी आर्थिक तो आर्थिक में ये सारे पॉइंट अब आप बताइए ये ये सारे पॉइंट किस बुक में मिलेंगे मैं बार बार बुक पर प्रश्न उठा रहा हूं उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चा बुक में जो है उससे ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो और जब तक ये सोचने की कला डेवलप नहीं करेंगे हमेशा ईश्वर ना करे लेकिन फिर भी एक समस्या तो बनी रहेगी और कंपटीशन बार बार एक हजार सीट आती है पांच सौ से छ सौ जो पीछे दो तीन सालों में सेलेक्ट हो चुके अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए अटेम्प्ट करते हैं हजार डेढ़ हजार जो इंटरव्यू में एकदम से कुछ कुछ नंबर है वो अटेम्प्ट करते हैं बाकी अब आप सोच लीजिए कि यानी सीटें उतनी ही हैं और उन्हीं लोगों से फाइट है जो इंटरव्यू दे चुके हैं या सेलेक्ट हो चुके हैं अब आप बताइए उनको उनकी सीट से कैसे निकालेंगे और आप बेसिक में हैं और वो बेसिक वगैरह पास करके एडवांस पर खड़े हुए हैं सिंपल सी बात है अब आप विचार करिएगा इसीलिए मैंने कहा कि बहुत काम करने की जरूरत है एक एक चीज पर काम करने की जरूरत है छोटी छोटी चीज पर काम करने की जरूरत है ठीक है अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं ठीक है बहुत सारी अनिश्चितता है हो गया बहुत सारी अनिश्चितता जितने नेगेटिव पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट अब संकट लिखेंगे भाई थोड़ा हम पॉजिटिव भी लिखेंगे कि भाई संभावनाएं क्या है यानी सकारात्मकता क्या है तो अब ये हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा है कि डोमेस्टिक ड्राइवर्स जो है हमें बहुत सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक यानी हम सब लोग तो हमारी इकोनॉमी के घरेलू चालक अच्छे हैं और इसी के कारण से जो हमारा शेयर मार्केट है इसने नई ऊंचाइयों को छुआ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट खूब आया हमारे यहां ठीक है ना इसके अलावा जो है हमारे यहां सब्जियों की कीमतों में अभी कमी हुई हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुआ ठीक है ये सारी बातें हैं पिछले पांच वर्षों में ये अच्छा पॉइंट है ये सब तो थोड़ा एक दो हल्के पॉइंट है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है पहला पॉइंट बहुत अच्छा है डोमेस्टिक ड्राइवर्स लिख लीजिएगा ये पॉइंट बहुत अच्छा है कारपोरेट ऋण जीडीपी लगभग डेढ़ दशक में सबसे कम है बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा आप रख लीजिएगा कारपोरेट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज एट इट्स लोवेस्ट इन नियरली पंद्रह वर्षों में मेरे प्यारे बच्चों सॉरी ठीक है ना ठीक है यानी लगभग एक डिकेड एंड अ हाफ टाइम में अगर हम देखें तो हमारा कार्पोरेट डेप टू जीडीपी ठीक है ना लास्ट फाइव इपोरेट डेप टू जी डी पी है यह पिछले पंद्रह वर्षों में सबसे कम है आप ऐसा मानिए इसका मतलब है कि अब जो कारपोरेट बैंकों से ऋण ले रहा है जो कारपोरेट बैंकों से ऋण ले रहा है वह उसको चुका रहा है यानी एनपीए कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं यह है एक अच्छा पॉइंट इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहा है इसके अलावा हम रिन्यूबल एनर्जी पर अच्छा काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अच्छा काम कर रहे हैं बैटरी टेक्नोलॉजी में हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है ना पिछले आठ महीने में बैंक ऋण दो अंकों में बढ़ रहा है अभी हमने पिछले एडिटोरियल में पढ़ा कि बैंक ऋण बढ़ रहा है बैंक ऋण बढ़ने का मतलब इन्वेस्टर भी ऋण लेता है और कंज्यूमर भी ऋण लेता है तो ये सारी पॉजिटिव साइन है याद रखेगा इसके अलावा एक और चीज इंडिया के फेवर में है अधिकांश जो मल्टीनेशनल है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी अपना रही है प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है तो देख लीजिए यानी चाइना प्लस स्ट्रेटजी विश्व की अपना रही है इसका मतलब है कि अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में डाल रही हैं तो एक ब्रांच वो अन्य कहीं पर डालेंगे वो वियतनाम हो सकता है हिंदुस्तान हो सकता है कोई भी देश हो सकता है तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का भी भारत को फायदा हो रहा है याद रखेगा ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको चाइना प्लस वन आई होप आप समझ गए होंगे ये सब आपको कॉपी में जब लिखेंगे तब मजा आएगा ठीक है ना अब इसके बाद और क्या पॉजिटिव है भैया जो डायरेक्ट टैक्स है जो जीएसटी है जबरदस्त उसमें उछाल है यानी इसका जबरदस्त संग्रह हो रहा है याद रखेगा ठीक है ना तो ये सारी बातें। इसके अलावा राज्यों का घाटा भी कुछ कम हुआ है और उन्होंने बाजार उधार भी कम लिया है तो ये भी एक अच्छी यानी कि राज्य अपने संसाधनों से संचालित हो रहे हैं ये अच्छी अच्छा अच्छी बात है याद रखेगा ठीक है ना इसके बाद एग्रीकल्चर हमारा बेहतर परफॉर्म कर रहा है जीडीपी को एक बल दे रहा है ठीक है ये सारी बातें और आई होप आप समझ गए तो संभावना या आज टेक्स हो, ही हो, कल लेट हो गया था इस वजह से हो नहीं पाया था आज ही होगा तो मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर जुड़िएगा एकदम टेक्नोलॉजी के साथ कंटेंट को कनेक्ट किया गया है ऐसा ही है लेकिन वो टेक्नोलॉजी मतलब उसको मैंने काफी ग्राफिक्स भी कराया है और टॉपिक भी अच्छे अच्छे ले रहा हूं आज हंड्रेड लूंगा क्योंकि तो कल टाइम मिल नहीं पाया था अगला टॉपिक है यानी प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ली नेपाल में नए गठजोड़ भारत में चिंता अभी नेपाल में नए गठजोड़ जरा समझिएगा अच्छा टॉपिक है ये नेपाल में नए गठजोड़ जब से सिलेबस आया है अभी तक यानी 2013 और उसके बाद से 2022 तक अभी नेपाल पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है जबकि जीएस टू आई आर जब आप पढ़ेंगे तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन भारतीयों में इसके पड़ोसी संबंध तो पड़ोसियों में हमारा है कौन सा चीन तो आपको ध्यान रखना है सॉरी है यानी नेपाल जिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो एक टॉपिक ये और बहुत जबरदस्त तीनों को मिक्स किया गया बहुत लंबा टॉपिक है इसमें टाइम लगेगा तो आप देख सकते हैं दूसरा है पावर रोलर कोस्टर यानी ये भी नेपाल का ही मतलब जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बारे में है और अगला देख सकते हैं प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल नया काठमांडू ये भी हम पढ़ने तीनों को मिलाया गया है और मॉडल क्वेश्चन बना दिया गया वाई इज नेपाल स्ट्रेटिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया भारत के लिए नेपाल रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले यह बताऊंगा कि भारत के लिए नेपाल रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है फिर आपको बताऊंगा व्हाट आर द मेजर इरिटेंट्स इन इंडिया नेपाल टाइस भारत नेपाल संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या है दूसरा पॉइंट यह हो गया डिस्कस द एफर्ट्स टेकन टू टैकल दीज इरिटेंट्स इन अड़चनों से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उस पर चर्चा करें अड़चन मतलब संबंधों में खराबी के बिंदु और उन खराबी के बिंदुओं को संभालने के लिए क्या क्या उपाय किए गए सब दिया गया कंटेंट में टेंशन नहीं लेना आल्सो डिस्कस द चाइना फैक्टर इन इंडिया नेपाल टाइज भारत नेपाल संबंधों में चीनी फैक्टर की भूमिका भी बताई यानी हम अच्छे मित्र थे किसी ने आया बीच में और अच्छे से हमें परेशान कर रहा है यानी भारत और नेपाल ऐसे थे ऊपर सेंट्री मार्गिया चीन और काफी दुखी कर रहा है तो वर्तमान में ये जो सरकार बनी है मेरे प्यारे बच्चों पुष्प कुमार दहल साहब जो मुख्यमंत्री मन... सॉरी जो प्रधानमंत्री बने हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके पीछे चाइना एक केंद्रीय भूमिका अदा कर रहा था नहीं तो जिन दो पार्टियों के बीच गठजोड़ हुआ ये दोनों इलेक्शन अलग, अलग अलग लड़ी थी अलग अलग घोषणा पत्रों के साथ लेकिन सब एक हो गई तो यह बड़ा मजेदार मुद्दा है What is the news? तो पुष्प कुमार साहब 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और अपने कट्टर यही उतर राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं कोई किसी का संबंधी नहीं कोई किसी का शत्रु नहीं कोई किसी का मित्र नहीं यानी इनके कट्टर दुश्मन दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के ये अलग विचारधारा कट्टर दुश्मन पूर्व प्रधानमंत्री खरगा प्रसाद ओली से हाथ मिला लिया अब आप देख लीजिए यानी दुश्मन दोस्त बन गए तो यह पॉइंट आप याद रखें। ठीक है तो कभी राजनीति वगैरह पर कोई प्रश्न आए थिंकिंग वाला प्रश्न तो ये सब आप डाल सकते हैं ठीक है कि राजनीति में कोई भी अस्थाई शत्रु नहीं होता अस्थाई मित्र नहीं होता ठीक है ना वो चेंज होते रहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से देख सकते हैं दो कट्टर दुश्मन मिल गए और उन्होंने सत्ता बना ली याद रखेगा तो ये पॉइंट है याद अब आता है इनके बारे में तो ऑब्वियस इनके बारे में यहां से हम क्या पढ़े तो ये आप सबको पता है प्रचंड का यह तीसरा कार्यकाल है और मुख्य धारा की राजनीति में आने से पहले 2006 में ये मुख्य धारा की राजनीति में इससे पहले ये यानी किस चीज के यानी माओवादी विद्रोह के लीडर थे यानी राजशाही के विरुद्ध जो माओवादी विद्रोह हुआ था नेपाल में उसके ये लीडर रहे हैं इसका मतलब है कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता हैं याद रखिए अब यहां पर आता है जरा समझिए प्रचंड किसके साथ यानी चुनाव में गठबंधन किए थे तो प्रचंड पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन थे देउबा की पार्टी थी नेपाली कांग्रेस ठीक है ना और पांच दल मिलकर के चुनाव लड़े वो लोग सबसे आगे थे ठीक है ना इन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली थी यानी इस ग्रुप को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी लेकिन देवबा ने कहा कि हमें पीएम की कुर्सी दो ठीक है ना देउबा ने प्रचंड की मांग थी कि मुझको पीएम बनाया जाए उसको ठुकरा दिया और उसी पर देखिए अब यहां पर आता है अब उन्होंने यानी जो चुनाव पूर्व विपक्षी थे उनके साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया तो प्रचंड की नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और केपी ओली की नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी एक का नाम है माओइस्ट सेंटर एक का नाम है एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी ये दोनों पार्टियां मिल गई यानी अब मजेदार यानी चीन में पूर्णतया कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और जब भी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है तो भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं होते क्योंकि उनका स्वाभाविक झुकाव चाइना की तरफ रहता है तो यही वर्तमान चुनाव से सबसे बड़ी चिंता है जो इस फैक्ट के द्वारा आपको बताया गया तो इसको आप याद रखिएगा ठीक है ना और इनके गठबंधन को राजशाही समर्थक यानी जो वहां की नेपाल की राजशाही है उसको समर्थन देने के लिए एक दल है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया अब आपके मन में आएगा कि यार माओवादी तो राजशाही को हटाने के लिए उत्सुक थे फिर ये लोग इनको क्यों सपोर्ट कर रहे तो राजशाही यानी जो ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है इसका पूरा फोकस है यानी कि ये अमेरिका का यूरोपियन यूनियन का इंडिया का इन सब का विरोध करता है क्योंकि ये पार्टी चाहती थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे लेकिन उसका आरोप है अमेरिका यूरोपियन यूनियन और भारत ने मिलकर के क्या किया उसको एक सेक्युलर स्टेट बना दिया 2015 में जो उन लोगों ने संविधान अपनाया नेपाल के लोगों ने तो एक सेकुलर स्टेट बना दिया इसीलिए वो खफा है क्योंकि उसको था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो ये तीन लोग सत्ता में आ गए हैं हमारा कंसर्न यही है याद रखेगा कम्युनिस्ट फैक्टर अब हो गया, गया। यानी चीन इन वामपंथी ताकतों के साथ ज्यादा समीपता का अनुभव करता है और अभी हम देखेंगे कि जब यानी इसके पहले केपी ओली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यानी इनके हाथ में नेपाल की सत्ता थी शेर बहादुर देउबा जी के पहले तो स्वाभाविक था भारत के साथ नेपाल के संबंध सबसे निम्नतम स्तर थे चूंकि वो चाइना से ड्राइव होते थे चाइना के अकॉर्डिंग वो एक्ट करते थे तो ये एक चाइनीज फैक्टर इस समय नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया ये एक मुद्दा अपने दिमाग में आप रखिएगा ठीक है ना और इसके बाद 2018 का यहां एग्जांपल एडिटोरियल राइटर ने दिया कि 2018 हजार में भी चीन के दूत ने यानी क्या किया था कम्युनिस्ट गठबंधन बनाया था और फिर कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी तो ये सारी बातें यानी अब आता है भारत का क्या हित है तो जो इसके पहले यानी शेर से, बहादुर देउबा यानी जो अभी प्रचंड के पहले प्रधानमंत्री थे उनके साथ भारत के संबंध अच्छे थे ठीक है ना और दिल्ली ओली को यानी केपी शर्मा ओली को चीन समर्थक मानती है अब देख लेगा, प्रो चाइना मानती है प्रो चाइना मानती है याद रखेगा ठीक है ना केपी ओली का कार्यकाल 2015-16 और 18 से इक्कीस के दौरान भारत के नेपाल के साथ कटु संबंध रहे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इसके एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं तो ऐसे में दो कम्युनिस्ट ताकतों का एक साथ आना चीन की जीत है यानी दो कम्युनिस्ट ताकतें जो एक दूसरे की दुश्मन थी अब साथ आ गई हैं और ये चीन की जीत है और यहां बताया गया है कि केपी शर्मा ओली के, के कार्यकाल में भारत और नेपाल के संबंध बहुत कठोर मतलब बहुत कटु रहे अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स भी याद रखें तो अब यहां से अब आते हैं यानी है हमने चाइनीज फैक्टर देख लिया कि नेपाल में अब चाइनीज फैक्टर काम करने वाला चूंकि दोनों मॉविस्ट दल सत्ता में आ गए हैं लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले और ऑबियस है चाइना के साथ इनका एक अलग प्रकार का संबंध है केपी शर्मा ओली प्रो चाइनीस माने भी जाने जाते हैं माने जाते हैं और जाने जाते हैं तब आप यहां से देख सकते हैं अब आता है भारत और नेपाल के बीच जो संबंध रहे हैं उसके बारे में कहा गया कि बड़े जटिल रहे कैसे रहे आइए देखें प्रचंड को बधाई दिया सबसे पहले यानी कोई भी विदेशी नेता चाहे चाइना का ही क्यों ना हो तो उनसे आगे निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को बधाई दी लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस साल की शुरुआत में 2022 2022 की की शुरुआत शुरुआत में में मोदी जी का भी अपना स्टाइल है। की में, प्रचंड साहब यानी जो इस समय नेपाल के पीएम हिंदुस्तान आए थे और मोदी से मिलने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की लेकिन मोदी जी उनसे मिले नहीं अब देख लीजिए यानी अगर मैं प्रधानमंत्री हूं कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री नहीं था मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं आप प्रधानमंत्री हैं आपने आप हमसे मिले नहीं अब इस समय हमारा समय हमारा है तो हम तो तो स्वाभाविक हम लेंगे कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति बन गई है याद रखेगा ठीक है ये सारी बातें अब आता है यानी ये हो गया राजनीतिक घटनाक्रम आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या राजनीतिक घटनाक्रम तो वाई इज नेपाल इंपॉर्टेंट नेपाल क्यों महत्वपूर्ण है आप यहां से देख सकते हैं क्या है नेपाल क्यों महत्वपूर्ण है यानी हिंदुस्तान के लिए तो नेपाल पांच भारतीय राज्यों आप देख सकते हैं उत्तराखंड ठीक है ना इसके बाद उत्तर प्रदेश इसके बाद पश्चिम बंगाल ठीक है ना इसके बाद बिहार सिक्किम के साथ ये क्या करता है सीमा साझा करता है देख सकते हैं और इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है तो पहला पॉइंट आप ये याद कर लीजिएगा यह अब आता है भारत नेपाल संबंधों में क्या क्या बाधाएं हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है 2015 में भारत को संविधान निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए नेपाल ने दोषी ठहराया के पी शर्मा ओली आपको पता है हिंदुस्तान के विरोधी फिर भारत के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने अनऑफिशियल ब्लॉकेज किया यानी रास्ते रोक दिए हैं जिससे कि नेपाल में सप्लाई चेन प्रभावित हो गया है तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाए ठीक है ना और ये सारी बातें थी केपी शर्मा ओली ने ये सब किया था ठीक है 2017 में नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट बन गया अब यह यानी चीन इस बीआरआई योजना के द्वारा नेपाल में राजमार्गों हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचे को डेवलप करेगा हालांकि बी में इसके शामिल होने को भारत ने रिजेक्ट कर दिया और नेपाल के इस कदम को चीन की तरफ झुकाव के तौर पर देखा गया था ठीक है ना ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है तो बी का वो हिस्सा भी हो गया है फिर इसके बाद 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी लिंपिया धुरा और लिपुलेख और सुस्ता जो कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार है इसके क्षेत्र को नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया आप देख सकते हैं क्लियर है तो ये केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में हुआ ये एक बहुत बड़ा विवाद है ठीक है इसके अलावा काला पानी का विवाद हमारे सामने हई है ही है, है फिर इसके बाद चाइना ग्रोइंग इंटरेस्ट इन नेपाल तो चीन क्या कर रहा दक्षिण एशियाई फुटप्रिंट अपना मजबूत कर रहा है यानी दक्षिण एशियाई फुटप्रिंट को मजबूत करने का मतलब है दक्षिण एशिया के सभी देशों में अपनी मजबूत स्थिति बना रहा है ऑब्बियस है तो वह नेपाल को एक मेन एलिमेंट मानता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानता है अपने साउथ एशिया फुटप्रिंट में यानी कि साउथ एशिया में उसको अगर मजबूत रहना है तो नेपाल में उसे मजबूत रहना ऐसा उसकी विदेश नीति विश्वास करती है और उसने केवल समझा नहीं है जाना भी है और चीन नेपाल में सबसे ज्यादा इसमें एफ दे रहा है तो इसका मतलब है जो वो प्रश्न आया था आ, आई में मैंने कुछ दिन पहले आपको कराया था कि चीन अपनी आर्थिक ताकत और बैलेंस ऑफ ट्रेड का इस्तेमाल एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति के रूप में विकसित होने के लिए कर रहा है तो आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल उसी के हैं एफ डी वहां पर दे रहा है ठीक है ना 2019 में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने काठमांडू का दौरा किया समझ सकते हैं कि चीन को अम, नेपाल को अमेरिका अपनी चाइना अपनी विदेश नीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है याद रखेगा तो ऐसे में लेखक यहां यही कह रहे हैं कि अगर चीन का इंटरफेरेंस ज्यादा है तो भारत को भी यानी नेपाल के साथ अपने गहरे संबंध बनाने पड़ेंगे यानी नेपाल को अकेले नहीं छोड़ना है ठीक है अब इसके बाद आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से हमारे सामने समस्या है क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा खुली है और बहुत हल्के ढंग से प्रतिबंधित है तो ऐसे में भारत के उत्तर पूर्वी भाग के आतंकवादी संगठनों अवैध दवाओं का व्यापार नकली भारतीय मुद्रा का व्यापार ठीक है ना तो ये सारे चुनौती वाले बिंदु भारत नेपाल संबंधों में चुनौती तो है इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं तो सबसे पहले ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में आप कॉपी में लिखिएगा कि भारतीय कंपनियों नेपाल में सबसे ज्यादा निवेश किया है ठीक है ना नेपाल में लगभग 150 इंडियन वेंचर्स यानी भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विस सेक्टर में यानी बैंकिंग में बीमा में ड्राईपोर्ट में शिक्षा में दूर संचार में बिजली क्षेत्र और पर्यटन उद्योगों में कार्यरत हैं तो एक पॉइंट याद रखना इसके अलावा हम डिफेंस कोऑपरेशन भी अच्छा कर रहे हैं ठीक है ना यानी नेपाल की जो सेना है नेपाल आर्मी है इसके आधुनिकीकरण में भारत मदद कर रहा है उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है और नेपाली आर्मी को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसके अलावा सूर्य किरण अभ्यास हम लोग करते हैं एक साल नेपाल में होता है एक साल भारत में यह अभ्यास किया जाता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ठीक है तो ये की जाती है इसके अलावा भारतीय सेना का जो गोरखा रेजिमेंट है ऑबियस है वह नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती हो होता है वर्तमान में ने नेपाल के लगभग बत्तीस हजार गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल हैं तीसरा है कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट में भी हम भागीदारी कर रहे हैं जैसे जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक पैंतीस किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का संचालन किया गया इसके अलावा भारतीय सीमा के करीब टीला टीला यानी सोलखुम्बू को मिर्चैया फिराहा से जोड़ने वाली 90 किलोमीटर जो है ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया गया यानी बिजली का परिषण किया जाएगा रेलवे क्षेत्र में हम तकनीकी सहयोग कर रहे हैं नेपाल को 2022 में नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना जो कि भारत की पहल है ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं इसके अलावा वहां पर पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और नेपाल ऑयल कार्पोरेशन के बीच में समझौता हुआ है और इन्हीं दोनों के द्वारा यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को वहां फैलाया जा रहा है इसके अलावा कल्चरल टाइप यानी सांस्कृतिक बंधन भी है बताने की आवश्यकता नहीं कला और संस्कृति शिक्षा विदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाया जा रहा है तो ये सारी बातें हैं इसके अलावा भारत पूरे नेपाल में एक ई पुस्तकालय प्रणाली स्थापित कर रहा है ठीक है ना अगस्त 2007 में काठमांडू में स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई नेपाल भारत लाइब्रेरी की स्थापना उन्नीस में काठमांडू में हुई थी इसे नेपाल का पहला विदेशी पुस्तकालय माना जाता है ये ये कल्चर वाला क्यों पढ़ा रहा हूं इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी कल्चर वाले पार्ट को हमेशा आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी नरम कूटनीति के रूप में लीजिएगा तो कुछ भी नहीं पता जैसे अब चाइना की वहां एंट्री है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि वहां चीन गहरे स्तर पर प्रवेश कर रहा है और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम उसको सपोर्ट भी कर रहा है ऐसे में क्या सॉफ्ट पावर की राजनीति भारत के लिए नेपाल में एक बेहतर विकल्प हो सकती है तो आप कम से कम सॉफ्ट पावर ये सारी बातें पता ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसके अलावा काठमांडू वाराणसी लुम्बिनी बोधगया जनकपुर अयोध्या के जुड़वा शहरों के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सम, मतलब हस्ताक्षर हुए हैं तो आप देख सकते हैं टूरिज्म का विकास किया जाएगा इसके अलावा असिस्टेंस यानी मानवीय सहायता यहां बताया गया है कि नेपाल को जब भी कोई संकट आया चाहे भूकंप आया हो या कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न हुई है भारत ने वहां पर आर्थिक सहायता और उसके साथ साथ खाद्य और अन्य वस्तुओं की सहायता वहां पर उपलब्ध कराई है यही यहां पर आंकड़ा बताया गया फिर आया है मल्टी पार्टनरशिप यानी भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के साथ यानी अपने हित साझा करें जैसे बीबीआईएन प्लेटफॉर्म पर जो है नेपाल भारत के साथ जैसे बांग्लादेश भूटान भारत और नेपाल का यह मंच है बीबीआईएन बिमस्टेक है आप देख सकते हैं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम साथ हैं सार्क में हम साथ हैं तो आप देख सकते हैं यानी हम मल्टी प्लेटरल पार्टनरशिप भी कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा इतना बढ़िया कंटेंट नेपाल पर कहीं नहीं मिलेगा तो राइटर यही कहते हैं कि दिल्ली का ध्यान हमें इस समय जो भी हमारे टकराव के बिंदु हैं उसको दूर करते हुए यानी उस पर ध्यान ना देते हुए भविष्य के लिए बेहतर राह हमें बनानी है यही बात है ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स आज नौ बजे यूपीएससी वाली चर्चा पर होगा ही तो आप सबको आना है तो आप आ जाएंगे अब आते हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज पॉइंटर्स क्या क्या है अब आता है यहां पर यानी आपको पता होगा एक टास्क फोर्स बनाई गई थी रख लीजिएगा किस पर ए बी जी सी पर ए सी यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट और गेमिंग एंड कॉमिक्स जिसे हम एबीजीसी कहते हैं तो इस ए बी जी सी के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है बजट 2022-23 में इसके बारे में बातचीत की गई थी तो एबीजीसी पर यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स पर जो जो गठित की गई है, उसने अपनी जो मुख्य सुझाव वाली रिपोर्ट है वह किसको सौंप दी केंद्र सरकार को अब एबीजीसी टास्क फोर्स ने क्या क्या सुझाव दिया है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए तो वो आपको इंपॉर्टेंट है चूंकि ये सब फ्यूचर की इंडस्ट्री है क्या है फ्यूचर की इंडस्ट्री है भविष्य के उद्योग है एबीजीसी तो फ्यूचर की इंडस्ट्री वैसे भी आपको आनी चाहिए अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है तो भी कि जॉब कहां से आएंगी तो फ्यूचर की इंडस्ट्री से आएंगी जैसे एबीजीसी तो उसके बारे में आप और दूसरा ऑब्बियस है एबीजीसी वगैरह पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो जीएस थ्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसको आप कोट करिएगा अब आता है यानी एबीजीसी क्या क्या रिकमेंडेशन है तो पहला है क्रिएट इन इंडिया कैंपेन चलाइए यानी क्रिएट इन इंडिया कैंपेन चलाइए क्यों चलाइए जिससे कि कंटेंट का क्रिएशन हो सके तो सबसे पहले क्रिएट इन इंडिया भारत में बनाइए कुछ इस, इस प्रकार का जिससे कि अच्छा कंटेंट सामने आए इन चारों सेक्टर में यानी कैंपेन चलाइए लोग उस कैंपेन से जुड़े अच्छा कंटेंट आपके सामने आए इसके अलावा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाइए किसके लिए एबीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स के लिए जिसका एम क्या हो जिसका लक्ष्य हो कि इस क्षेत्र में एफ आए ठीक है इसके अलावा को प्रोडक्शन संधियां कीजिए किसके साथ विश्व के अन्य देश जो भी एबीजीसी पर काम कर रहे हैं इसके साथ साथ इनोवेशन के लिए कोलेबरेशन कीजिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ एबीजीसी में इनोवेशन आए इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहा गया नेशनल और रीजनल सेंटर्स बनाइए और स्किल डेवलप करिए लोगों का इस क्षेत्र में यानी एबीसी क्षेत्र में लोगों का स्किल डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण करिए इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारी है तो उसको यानी उसमें हम क्या करें थिंक हमें यानी स्कूल लेबर पर नई शिक्षा नीति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए स्कूल लेवल cool पर क्रिएटिव थिंकिंग हमें छात्रों में छात्राओं में डेवलप करनी है क्रिएटिव थिंकिंग नए नए ढंग से चीजों को सोचना तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा इसने एक प्रपोज किया है कि नेशनल एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी रियलिटी मिशन बनाइए और इसको अच्छा खासा बजट भी प्रदान करिए जो इन सभी चीजों की निगरानी करेगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार के टॉपिक अब फ्यूचर के टॉपिक है मैंने यहां करा दिया आगे एडिटोरियल में आएगा तो फिर करेंगे ठीक है है ना अब आता स्टेट सॉफ्ट पावर मॉडल यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में वो फूड स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं यानी खाद्य गलियां बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जैसे लखनऊ में खाद्य गलियां बनेंगी प्रयागराज में कानपुर में आगरा में वाराणसी में 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसके पहले और इसके अलावा यानी फूड स्ट्रीट अब यह क्या किया जाएगा जो भी डोमेस्टिक दो या इंटरनेशनल पर्यटक आएंगे उनको यानी इन सभी शहरों की जो प्रसिद्ध खाने की चीजें हैं वो वहां पर मिलेंगी तो इसके दो फायदे होंगे यानी कल्चरल रूप से उत्तर प्रदेश की छवि एक सॉफ्ट स्टेट की होगी और इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा और उसके साथ साथ यानी जहां पर भी फूड स्ट्रीट बनाए जा रहे हैं लोगों को रोजगार भी होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी तो इसको भी आप याद रखेगा इसके अलावा प्रेसिडेंट ने अभी अभी, अभी यानी प्रसाद प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया श्री सैलम आंध्र प्रदेश में तो प्रसाद के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा प्रिलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है ना यानी प्रसाद क्या है पिलग्रिम्स रिजुबिनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज अगमेंटेशन ड्राइव ठीक है प्रसाद के द्वारा यानी जो भी धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन केंद्र और विकास के केंद्र के रूप में डेवलप किया जाता है प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश के श्री सैलम को भी डेवलप किया गया है एक धार्मिक केंद्र के रूप में याद रखेगा बस इतना ही आपको ध्यान रख तो प्रसाद योजना एक बार होमवर्क है पढ़ लीजिएगा इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स हैं कुछ अनुसंधान करने वाले हैं उन्होंने वो चाहते हैं यानी उन्होंने अर्ज किया है भारत की सरकार से कि जो बीड़ी का काम करते हैं वह है एक खतरनाक प्रक्रिया घोषित की जाए यानी ये जो बीड़ी बनाने का काम होता है ये देखिए बीड़ी रोलिंग यानी ये हो गया पत्ता और ये देखिए बीड़ी बन रही है तो उन्होंने कहा यह खतरनाक प्रक्रिया है इसको रोकना इसको रोका जाना चाहिए और जो लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए तो आप ध्यान रखिएगा अच्छा एक रिसर्च है क्योंकि इसमें मैक्सिमम महिलाएं लगी हैं जो भी हैं उनको अच्छी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके काफी नुकसान है तो इस पर कोई अच्छा आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे अदरवाइज इसको आप जिलेंसकी ने भारत यानी मोदी जी से बात करी और जी ट्वेंटी के बारे में यानी भारत को क्या किया विश किया और भारत ने जो उनको सहायता दी उसकी प्रशंसा की न, नेशन वाइड मॉक ड्रिल कोविड नाइनटीन पर सोमवार में हो गया तो आपको अच्छे से पता है ड्रिल है इसका मतलब कोविड का संकट है सतर्क रहिए आप सब भी सेंटर ने अब अनिवार्य कर दिया है यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ मनरेगा अटेंडेंस मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को पढ़ाया था क्या पढ़ाया था कि 16 मई 2022 से यानी क्या किया जाएगा मनरेगा के कर्मचारियों की जहां पर 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो उनका जो अटेंडेंस होगा वो ऑनलाइन होगा ध्यान रखिएगा ठीक है ना क्या होगा एक ऐप के द्वारा होगा ठीक है ना और यह 16 मई 2022 से प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया गया था लेकिन 1 जनवरी 2023 से से अनिवार्य कर दिया गया तो इसको डेट याद रखें 16 मई 2022 से ठीक है ना जो क्या है मनरेगा की अटेंडेंस की जो डिजिटल कैप्चरिंग होती थी वो एक प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जहां पर मनरेगा के बीस या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते थे वहां पर यह प्रावधान लागू होता था एक जनवरी 2013 से अब यह सब जगह लगेगा यानी अनिवार्य कर दिया गया है इसको याद रखेगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी आने, बच्चों इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकोनिक जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं आइकोनिक में अनअकेडमी की तरफ से आपको मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप और आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं यानी इंग्लिश में हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में अनअकेडमी के साथ सीसे की तैयारी आप कर सकते हैं अन इसके अलावा ई पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव पर कॉल करके आप जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट पर ई पर कोर्स ले सकते हैं इसके अलावा अनएकेडमी पर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध है एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं इसके अलावा अनएकेडमी रेलवे आई का भी कोर्स करा रहा है आप उसमें भी एडमिशन अनएकेडमी पर ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच नौ बजे मिलिए कहां पर यूपीएससी वाली चर्चा पर जय हिंद लेट्स क्रैक गॉड ब्लेस एवरीवन थैंक यू सो मच बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद